तो हम अब सेशन शुरू करते हैं फॉर्मली। थैंक यू सो मच जो जो सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। मेरा नाम ईमान है और मैं लम्स यूनिवर्सिटी की तुलबा हूँ, और NSF की तरफ से आप सबका आज इस लेक्चर जदीद वायरसेस कहाँ से आते हैं में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं NSF के तारुफ से। NSF जो है वो मजदूर, किसान और दरमियाने तबके के तुलबा की तंजीम है। हम एक ऐसे पाकिस्तान की जद्दोजहद कर रहे हैं जो जो साम्राज्य, जागीरदारी, सरमायादारी, पितरशाही और हर किस्म की इसाली कुव्वत से पाक हो, और जहाँ इकतदार मिन्नत कश तबके के पास हो जो दिन रात वतन की तामीर में मसरूफ है। अगर आप NSF की सरगर्मियों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो आज के सेशन का पोस्टर है उसके ऊपर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर सेशन के दौरान आपका कोई भी सवाल हो या फिर आपको कोई बात समझ ना आए तो वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर आखिर में सवाल जो आपके सेशन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जदीद वायरसेस कहाँ से आते हैं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नुमान अली, जो लम्स यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमी, एग्रेरियन चेंज और पर्सनल स्ट्रगल्स के प्रोफेसर हैं। सर नुमान, हमें आज ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं इस बात से कि 100 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस को एक इमरजेंसी करार दिया गया और हंगामी तौर पर तालीमी इदारों से लेकर कारोबार को बंद कर दिया गया, लेकिन अब तक ऐसा लगता है जैसे कि जो भी हो रहा है वो एक ख्वाब है या फिर हकीकत नहीं है, और एक दिन हम उठेंगे और वहीं से जिंदगी शुरू करेंगे जहां हमने 3 माह पहले छोड़ी थी। और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि अगर हम टीवी पे देखें या सोशल मीडिया के ऊपर देखें या आम गुफ्तगू में सुने तो कहा यही जाता है कि कोई भी कोरोना वायरस के आने की पेशगोई नहीं कर सकता था, यानी कि हम किसी भी तरह से इस वबा से लड़ने के लिए पहले से तैयारी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से और बिल्कुल एकदम से आ गई है। लेकिन हकीकत शायद ये नहीं है, क्योंकि एक तवील अरसे से साइंसदान इंतबाह कर रहे थे, वार्न कर रहे थे कि कोरोना वायरस जैसी जानलेवा वबा के आने का इम्कान है। यहाँ तक कि सितंबर 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट शाया की ग्लोबल इमरजेंसी प्रिपेयरनेस के ऊपर, और उसमें उन्होंने काफी वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि एक ऐसी वबा आएगी जो 50 से लेकर 80 मिलियन लोगों की मौत की वजह बन सकती है और दुनिया में 5% मईशत को, इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। तो अगर जो हो रहा है वो हैरानकुन या सरप्राइजिंग बात नहीं है तो फिर सवाल यही उठता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे कि इस वबा के आने से पूरी दुनिया को हंगामी तौर पर रुकना पड़ा, और जो मौजूदा सियासी माशियात के ढांचे हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स हैं, उनका हमें यहाँ तक लाने में क्या किरदार रहा है। तो इससे हम शुरुआत करते हैं, और सर नुमान अब इस गुफ्तगु को आप यहाँ से प्लीज आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान, आपने पहले तो मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आपकी आवाज चलिए जबरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी इस मौजू पर बात करने के लिए, और जैसा आपने बताया ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई शॉकिंग बात हमें नहीं होना चाहिए कि ये वबा जो फैला है कैसे फैला है, और ये इसकी बात पहले से हो रही थी। लेकिन ये कहाँ से आता है, ये क्या चमगादड़ खाने से, चमगादड़ का मतलब बैट होता है, बैट खाने से आता है, या ये महज कोई चीनियों का मसला है, चाइनीज का मसला है, या ये कोई साजिश है, किसी लैब में इस वायरस को बनाया गया, ये सवालात बहुत अहम हैं, क्योंकि जो असली इसका इस सवाल का जो असली जवाब है वो ज्यादा पेचीदा भी है और ज्यादा आसान भी है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये चीज़ कहाँ से आती है, ये बहुत वाजे है, और लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा सा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा पॉलिटिकल इकोनॉमी में जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी से मुराद सियासी मैशियत, और सियासी मैशियत एक ऐसी फील्ड है जो बहुत वसी फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं, और इसका वबा से, बीमारी से भी बहुत गहरा एक ताल्लुक होता है, जिसकी मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अगर हम 100 साल पीछे जाएंगे, 1918 में भी एक आलमी वबा फैली थी, ग्लोबल पैंडेमिक, जिसे कहते हैं स्पैनिश फ्लू। अब स्पैनिश फ्लू इसका नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ताल्लुक महज स्पेन से था, ये स्पेन में शुरू हुआ था, बल्कि उस वक्त क्योंकि आलमी सत्ते पर एक जंग चल रही थी, जो पहली जंग अजीम या पहली आलमी जंग थी, वर्ल्ड वॉर वन,
तो उसमें जो एक न्यूट्रल कंट्री था वो स्पेन था। स्पेन में रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही थी, वहां पर खबर ज्यादा आ रही थी इस फ्लू की, लिहाजा इसका नाम रखा गया स्पेनिश फ्लू। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ये एक वबा था, जिसमें ऑफिशियली जो अमूमन माना जाता है कि इसमें कुछ 2 लाख नहीं, 2 करोड़ लोग मरे थे। 2 करोड़ 20 लाख, 22 मिलियन लोग इसमें मरे थे दुनिया के तौर, आलमी सतह पर, ग्लोबल स्केल पर। लेकिन रिसेंटली कुछ लोगों ने और इस पे रिसर्च की, एस्टिमेट्स निकाले कि शायद इससे ज्यादा भी लोग मरे होंगे, महज 2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़, 10 करोड़, यानी 50 मिलियन to 100 मिलियन लोग शायद इसमें गुजर गए थे, मर गए थे इस आलमी वबा के लिए की वजह से, स्पेनिश फ्लू की वजह से। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्पी की बात हमारे लिए, फिर दिलचस्पी शायद इसमें पॉजिटिव लफ्ज होगा, जो हम लोग पाकिस्तान में या इस खत्ते में हैं, जनूबी एशिया में, बरेसगीर में, हमारे लिए दिलचस्पी की बात ये होनी चाहिए कि जो आलमी तौर पे जितने लोग मरे हैं, जितने मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 करोड़ तक, 10 करोड़ लोग तक मरे होंगे, उसमें से जो 60% थे, 60% वो इस खत्ते में मरे थे, इस इलाके, इस एरिया में मरे थे, वो इलाके जो अब पाकिस्तान है और हिंदुस्तान के मगरबी इलाके हैं। तो मगरबी हिंदुस्तान उस वक्त तो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का कंट्रोल था 1918 में। तो सवाल हमारे लिए ये आता है कि इस इतनी बड़ी आलमी वबा में यहाँ पे इतने ज्यादा लोग क्यों मरे, 60% यहाँ पे क्यों, 60% यहाँ पे क्यों मरे थे। तो एक ऑथर हैं, एक जियोग्राफर हैं, उनका नाम है माइक डेविस। उन्होंने 2005 में एक किताब लिखी थी, द मॉन्स्टर एट आवर डोर, यानी हमारे दरवाजे पर राक्षस पहुंच चुका है। और उससे मुराद उनका था फ्लू, एवियन फ्लू, जिसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा, बर्ड फ्लू। और माइक डेविस बताते हैं कि देखें, जब इन्फ्लुएंजा होता है, स्पेनिश फ्लू जो है वो, इसमें थोड़ा सा हमें तफरीक करनी पड़ेगी। एक तो होता है पैथोजन, होता है पैथोजन से मुराद वो जरासीम या जर्म जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। तो पैथोजन एक चीज होती है और बीमारी एक चीज होती है। तो हम जो अमूमन हम कहते हैं हमें फ्लू हुआ है, वो फ्लू हमें, हम एक डिजीज का नाम हमने फ्लू रखा है, लेकिन जो पैथोजन या वो जो जरासीम का नाम है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा के मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। तो जब इन्फ्लुएंजा किसी को पकड़ता है, वो खुद अकेले नहीं अब हम पे अटैक करता, इन्फ्लुएंजा दरवाजा खोल देता है ताकि हमारे फेफड़ियों में फिर बैक्टीरिया भी आ जाए। और अक्सर जो लोग इन्फ्लुएंजा से मरते हैं, फ्लू से मरते हैं, तो वो लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके फेफड़ियों में निमोनिया आ जाता है, बैक्टीरियल निमोनिया आ जाता है। तो इन्फ्लुएंजा तो एक वायरस है, और वायरस और बैक्टीरिया दो मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन होते हैं, इसमें हम ज्यादा तफसील में आज नहीं जाएंगे। लेकिन वायरस वो दरवाजा खोल देता है कि आपके जिस्म में फिर बैक्टीरिया आ जाए, फेफड़ियों में चला आ जाता है। अब कोरोना के बारे में भी हम लोग यही सुन रहे हैं, और इन्फ्लुएंजा के बारे में भी आप यही सुनेंगे। और अक्सर अमूमन जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके बारे में ये होता है कि पहले से ही जिसकी जिस्मानी मुदाफती निज़ाम जो है, इम्यून सिस्टम, मुदाफती निज़ाम उसे कहते हैं, जो पहले से ही कमजोर है, जो पहले से ही वीक है, तो उनपे कोरोना, उनपे इन्फ्लुएंजा ज्यादा अटैक करेगा, अगर आप पहले से ही आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और अक्सर ये होता है उनमें जो दूसरे बीमारियों का शिकार होते हैं, या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, या वो लोग जिनकी गिजा में न्यूट्रिशन नहीं होता है, जिनकी मुतनासिब गिजा नहीं होती, न्यूट्रिशस नहीं होती उनकी गिजा, क्योंकि हमें अपने मुदाफती सिस्टम के लिए हमें जरूरत होती है विटामिन्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो एक अच्छे गिजा से हमें मिलती हैं। लेकिन अगर आप महज गंदम खा रहे हैं, आप महज आटा खा रहे हैं, आप महज चावल खा रहे हैं, और उसके साथ कुछ दाल खा रहे हैं, आप फ्रूट्स नहीं खा रहे, आप सब्जी अच्छे किस्म की, मुख्तलिफ किस्म के आप नहीं खा रहे, तो आपकी जो मुदाफती सिस्टम है उसमें कमजोरी आती है। तो उस दौरान 1918-1919 के मैं बात कर रहा था, स्पेनिश फ्लू की, उस दौरान मगरबी हिंदुस्तान में खुश्क साली थी, ड्राउट जो कहते हैं, यानी पानी नहीं गिर रहा था और पानी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ज़रात जो है वो काफी हद तक बैठ गया था, और जो खाने का पैदावार है, फूड का जो प्रोडक्शन है, वो काफी हद तक नीचे हो गया था। और जो भी मार्केट सिस्टम में, हम इकोनॉमिक्स से हम बात करते हैं, किसी भी मार्केट सिस्टम में जब सप्लाई किसी भी चीज की कंट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, खाने की, गजा की जब मौजूदगी कम हो जाती है, और
अगर वो दस्तियाब नहीं है तो उसके दाम जो इसका जो कीमत है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग चाह रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बेचने वाला है वो कहेगा यार मैं इसकी दाम बढ़ा सकता हूँ, महंगाई हो जाती है। तो उस वक्त भी महंगाई हो रही थी, बहुत सारे लोग क्योंकि खुश्क साली थी तो उनको काम नहीं था, अगर वो खेतों पे काम करते या किसी फैक्ट्री में काम करते वो रुक गए थे, वो बंद हो गए थे, और काम नहीं आपको तो आपके पास आमदनी नहीं है, आमदनी नहीं है तो आप खाना खरीद नहीं सकते। बहुत सारे किसान जो थे क्योंकि पानी नहीं था लिहाजा वो लोग फसल नहीं फसल उनकी नहीं आई, वो नहीं काट सके, उसे बेच नहीं सके, लिहाजा उनके पास भी पैसे नहीं थे। मसला दरअसल ये नहीं था कि खाने की इतनी कमी थी, खाना मुनासिब मौजूद था, पैसों की कमी थी, पैसों की कमी थी। इस पे हम वापस आते हैं, तो पैसों की कमी है, खाने लोग नहीं खा सकते, तो एक कहत पैदा हो गया, फैमाइन जो कहते हैं, और फैमाइन जो था, कहत जो था, लोगों के फिर जिस्म कमजोर हो गए और लोग उस वायरस से मुकाबला नहीं कर पाए। तो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स सियासी मैशियत का ताल्लुक कैसे बनता है सेहत के साथ। अगर मैं खाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं बीमारी से लड़ना मेरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब और भी हम इसमें देख सकते हैं, और ये आप देख लें आजकल पाकिस्तान इंडिया में अभी भी यही सूरत हाल है कि लोग बेरोजगार हो चुके हैं तो पता नहीं उनका खाने का क्या सिचुएशन है। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आप ये देख लें कि क्योंकि देहात में खाना नहीं पैदा हो रहा था और पैसे नहीं मिल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हिजरत की, शहरों को गए, वो लोग शहरों में इसलिए गए ताकि वहां पे हमें कुछ काम मिल जाए। लेकिन जब गरीब शहर में जाते रहता है तो उसे बड़े बड़े डिफेंस DHA वाले हाउसिंग स्कीम्स नहीं मिलते, उनको स्लम्स में रहना पड़ता है, कच्ची आबादियों में रहना पड़ता है जहां पर बहुत सारे लोग बहुत बड़े हजूम इकट्ठे रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं एक एक कमरे में सात सात लोग, आठ आठ लोग, दस दस लोग रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे तीन तीन खानदान रह रहे हैं। ये हालात हैं हमारे, शायद अक्सरियत के हालात पाकिस्तान में ऐसे होंगे। तो उस वक्त भी ऐसे ही था, जो गरीब जा रहे थे शहरों में, अब आप इतने डेंस, इतने आप बंद बंद हालात में रह रहे हैं तो जो वबा है, जो वायरस है, उसको फैलने को आसान हालात मिलते हैं, अच्छे हालात मिलते हैं। तो लिहाजा शहरों में भी और देहातों में भी लातादाद लोग मर गए स्पैनिश फ्लू की वजह से। तो हमें नजर आ रहा है कि सियासत के मैशियत का तो इसमें ताल्लुक है, अब सियासत की बात क्या आती है, सियासी मैशियत हम कैसे कह सकते हैं। बल्कि इसमें मैं आपको चार पांच पॉलिटिकल इकोनॉमीज की मैं आप बात कर सकते हैं। इसमें सबसे अव्वल तो हमें बात करना पड़ेगा एक आलमी पॉलिटिकल इकोनॉमी की, एक आलमी सियासी मैशियत की, जिसमें वायरस फैलता है, जिसमें कोई भी पैथोजन ऐसी चीज फैलती है। तो उस वक्त के हालात क्या थे कि वायरस यहाँ से नहीं, उसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में नहीं थी, उसकी इब्तिदा बड़े सगीर में नहीं थी। वो उसकी इब्तिदा कहाँ थी अभी तक ये हमें नहीं पता, डिबेट है कि शायद वो USA में शुरू हुआ या शायद चाइना में शुरू हुआ, लेकिन वो अलग बात है, यहाँ से नहीं शुरू हुआ इतना तो हमें पता है। तो यहाँ कैसे पहुंचा, जो चीज यहाँ से वो शुरू ही नहीं हुई, यहाँ के इतने ज्यादा लोगों को वो कैसे खा गई, और वो ये है कि हमारे सिपाही जो थे, खैर हमारे सिपाही नहीं थे, हमारे लोग थे जो अंग्रेज के सिपाही बनके यूरोप में जाके उनकी जंग लड़ रहे थे, उनके लिए जंग लड़ रहे थे, उनके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। तो वो जो सिपाही यूरोप में, उनको वो इन्फेक्ट होके वापस हिंदुस्तान आए, मुंबई में आए, मुंबई की पोर्ट्स में आए, वहां से मुंबई से वो ये चीज फैली है। तो ये एक आलमी सियासी मैशियत है, और इसमें याद रखें कि अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे कब्जा इसलिए नहीं किया ताकि वो हमें डेमोक्रेसी लाएं, ताकि वो हमें सिविलाइजेशन लाए, तहजीब लाएं, वो हमें सिखाएं कि देखिए जी खाना कैसे खाया जाता है, यू हैव टू ईट इट विद योर फोर्क एंड योर नाइफ, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। अंग्रेज यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वो हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाह रहे थे। ये हिंदुस्तान की जो जमीन थी, जरखेज जमीन थी, अभी भी है, यहाँ ये दौलतमंद जमीन थी, ये ऐसा खिता था जो बहुत ही दुनिया का अमीर तरीन खिता था। तो वो लोग कब्जा करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, कब्जा उन्होंने हमारे वसाइल पर किया, कब्जा उन्होंने हमारे इंसानों पर किया, हमारी मेहनत पर किया, वो लोग इसलिए यहाँ पर आए थे, और कब्जा उन्होंने जबर से किया था। और ये यही जो कॉलोनाइजिंग पावर्स थे, यूरोप के जो पावर्स थे जिन्होंने नौबादियाती निज़ाम कायम किए, इधर उधर अफ्रीका पे उन्होंने कब्जा किया, हिंदुस्तान पे कब्जा किया, चीन पे कब्जा करने की कोशिश की, लतीनी अमरीका में कब्जा करने की कोशिश की, सारी दुनिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में तकसीम कर दिया था। जो पहली जंग अजीम थी ये हमारी जंग नहीं थी,
हमारा इसमें कोई मुफाद नहीं था, ये यूरोप के मुख्तलिफ जो पावर थे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो ये एक सियासी मैशियत है, आलमी सियासी मैशियत को समझना बहुत जरूरी है जिसमें ये वबा पैदा हुआ था। दूसरी सियासी मैशियत जिसके बारे में हमने थोड़ी सी जिक्र की है वो ज़रात और गजा की सियासी मैशियत होती है। जो कमी थी खाने की और जो महंगाई थी उस वक्त, वो महज इसलिए नहीं थी कि खुश्क साली थी, महज इसलिए नहीं थी कि ड्राउट था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि अंग्रेज यहां से गल्ला लेके वो लोग यूरोप भेजते थे ताकि सिपाहियों को खाना खिलाते रहें, ताकि यूरोप के लोगों को खाना खिलाते रहें। कोई बात नहीं कि हिंदुस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, कोई बात नहीं कि हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, हमें ये लेना है और हमें ये सिपाहियों के लिए हमें इसको वो करना है ताकि सिपाही हमारे भूखे ना मरे, ताकि वो जंग लड़ सकें। दूसरी आलमी जंग में भी, दूसरी जंग अजीम में भी ये हुआ और बहुत शदीद कहत बंगाल में खास तौर पर हुआ था, लेकिन इस इलाके में भी हमारे बहुत असरात हुए थे दूसरी जंग अजीम में भी, कि यहाँ से जो गल्ला पैदा हो रहा था वो जाता था बाहर यूरोप को। तो ये एक ज़रात और गजा की सियासी मैशियत है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर से ये आलमी सियासी मैशियत में भी इसका टाई होता है, इसका लिंक होता है। तीसरी एक सियासी मैशियत होती है, और वो सियासी मैशियत है कि मुतनासिब गजा किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, गजाइत किसको सही तरीके से मिलती है किसको सही तरीके से नहीं मिलती, और उसमें अमीर और गरीब की सियासी मैशियत समझना बहुत ज़रूरी है। अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है? अमीर इसलिए अमीर है अमूमन कि उसके पास कुछ ना कुछ वसायल होते हैं, जमीन होती है, सनत होती है, या मेरे पास अभी फिलहाल पाकिस्तान में ना मेरे पास जमीन है ना सनत है, बदकिस्मती से, देख रहा हूँ कोई मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, मेरे पास एक जहनी एक दानिश का एक सरमाया है जो मेरी एजुकेशन है, जिसकी वजह से मैं इलीट में आ जाता हूँ। ठीक है, सुपर इलीट में तो नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं खाता पीता हूँ, मुझे कोई ऐसी कोई माली मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन जो अक्सरियत है हमारे मुल्क में, अक्सरियत है हमारे इस खत्ते में, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा सरमाया नहीं है, ना जहनी सरमाया उनके पास है दानिशमंदी का, या दिमागी सरमाया नहीं है, ना कोई फिजिकल सरमाया यानी जमीन ना सनत, और उनके लिए गुर्बत है, उनके लिए छोटे बिजनेस हैं जो सर्वाइवल के लिए वो लोग करते हैं, जिंदा रहने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ बेचने की, कोई रेड़ी लगा के कुछ बेचने की कोशिश करता है, कोई रिक्शा पकड़ के करता है, लेकिन अक्सर जो हमारे लोग हैं, अक्सरियत जो हैं वो मजदूर हैं, वो अपनी मेहनत बेचते हैं। और उस वक्त भी आप देख लें और इस वक्त भी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, आदादोशुमार अभी तक सही तरीके से मौजूद नहीं है, स्टडीज वो नहीं की गई हैं, लेकिन उस वक्त इन्फ्लुएंजा जो था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, वो अमीरों पर कम असर करता था और गरीबों पे ज्यादा असर करता था, गरीबों पे, मजदूरों पे, और वो जो कमजोर जात के जो हम कहते हैं दलित जो हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी हैं मुस्लिम शेख जो हैं, या जो अक्सर क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, वो लोअर कास्ट माने जाते हैं, कमजोर जात के माने जाते हैं। जो उछले जात के थे, जो मजबूत जात के थे, या जो मजबूत तबकात के थे, उन पर असर काफी कम हुआ है, और जो गरीब थे उन पे ज्यादा, और गोरों पे तो बहुत ही कम हुआ था, जो गोरे भी थे यहाँ पे मौजूद उन पे तो बहुत ही कम हुआ था असर इन्फ्लुएंजा का। और आजकल जहां हमारे पास आदाद व शुमार मौजूद हैं, हमें नजर आता है कि कोरोना वायरस की वजह से भी अमेरिका में आप देख लें, यूके में आप देख लें, जो गरीब लोग हैं उन पे ज्यादा ये चीज होती है, जो मजदूर हैं उन पे ज्यादा ये चीज होती है, जो वहां पे सियाह फाम लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, एशिया के जो लोग हैं, यानी जो गरीब होते हैं और जो मार्जिनलाइज्ड या पसमानदा तबकात और ग्रुप्स के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनमें ये ज्यादा असर करता है इन्फ्लुएंजा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई भी वायरस महज खुद से नहीं अटैक करता, वो साथ साथ दिखता है कि आपके सियासी और मुआशी हालात क्या है। मुआशी हालात आपकी कमजोर है तो आपके जिस्म भी कमजोर होते हैं, जिस्म आपका कमजोर है तो आप इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। अब हम में से बहुत सारा लोग सादा लोग शायद मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये मिडिल क्लास की बीमारी है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा लोग इसमें जो इफेक्ट हुए होंगे वो पाकिस्तान में भी गरीब और कमजोर लोग ही ज्यादा इफेक्ट हुए। चौथी इसमें एक सियासी मैशियत, फोर्थ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो है सेहत आमा की, सेहत की जो सियासी मैशियत है कि हेल्थ कैसे, पब्लिक हेल्थ जो है, हेल्थ केयर सिस्टम आपका कैसा है। और उस वक्त जो देहातों में किसानों के लिए अंग्रेजों ने बहुत ही, यानी अंग्रेजों ने तो हिंदुस्तानी के लिए बहुत कम हेल्थ केयर में कोई इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, लेकिन खास तौर पे देहातों में किसानों के लिए बहुत ही कम उन्होंने कोई ना होने के बराबर उनकी इन्वेस्टमेंट थी सेहत आमा में। और
लिहाजा आपकी जब पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं है, आपका जब हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, तो उसमें लोगों पर बीमारी और असर करती है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें कि जो अमीर लोग हैं उनकी रसाई है हॉस्पिटल्स तक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक, वहां पर उनकी इलाज अच्छी होती है, और जो गरीब है उनकी नहीं है। मैं हंस रहा इसलिए था क्योंकि मसला ये हो गया कि यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे और अच्छे हॉस्पिटल्स थे वो भी भर गए थे, तो अमीर लोग पछताना शुरू हो गए थे कि यार हम लोग अब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो हम पब्लिक हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं कि हम पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो आप मान रहे हैं कि आपने एक ऐसा पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम पैदा किया है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा पैदा किया है जिसमें इंसानी यानी इंसानों को बहुत अच्छी उनकी केयर नहीं होती। तो ये एक चौथा सियासी मशियात आप देख सकते हैं सेहत की, सेहत आमा की। ये जो इन जो ये जो सियासी मशियत हैं, ये चार पॉलिटिकल इकोनॉमीज जिनका मैंने जिक्र किया था, आप देख सकते हैं कि इसकी इसमें तब्दीली तो आई है लेकिन ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। और शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि 100 साल बाद भी हमें वही मसले नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान में वही मसले नजर आ रहे हैं और आलमी सतह पर वही मसले नजर आ रहे हैं जो हमें 100 साल पहले नजर आए थे, और जिसकी वजह से ये वबा बहुत तेजी से फैला है और जिसकी वजह से ये इसके असरात जो हैं काफी मुश्किल रहे हैं। तो ये समझना फिर हमारे लिए बहुत जरूरी है, और याद रखें कि बीमारी जो होती है या सेहत के जो मसले हैं ये महज कोई साइंटिफिक बायोलॉजिकल चीजें नहीं होती, बल्कि इनका पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ, इनका सियासत और मैशियत के साथ, इक्तसादियत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। और इस चीज से फिर हम पांचवी सियासी मैशियत पे आते हैं, और वो है इब्तिदा यानी, और आज का जो मौजू है, काफी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ आ रहे हैं, आज का जो मौजू है कि ये जो जदीद वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है, इसका नाम है SARS-CoV-2, 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 ये एक जदीद कोरोना वायरस है। जदीद से मुराद एक इंसानों में ये जदीद है, इंसानों में जदीद है, और ये महज कोरोना वायरस ही नहीं है बल्कि पिछले 30-40 सालों में हमें बहुत मुख्तलिफ नए वायरसेस हमें मिले हैं। अक्सर ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा के मुख्तलिफ नए किस्में पैदा हुई हैं पिछले 30 से 40 साल में। पैदा से मुराद इंसानों में पैदा हुई हैं, क्योंकि अक्सर ये जंगलात में, विल्डरनेस में ये वायरसेस मौजूद होती हैं, बतख में। इन्फ्लुएंजा अक्सर जो है वो बतख में होती है, दूसरे परिंदों में होती है। बतख मतलब डक्स से इन्फ्लुएंजा शुरू होता है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो बतख से आता है, बतख में। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो होता है वो उनके पेट में होता है, और अक्सर इन्फ्लुएंजा उनके लिए जानलेवा नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंजा उनके लिए एक बीमारी भी नहीं होती। लेकिन जब बतख से वो कोई और परिंदे में आ जाता है, और परिंदे में से फिर वो सुअर में आ जाता है, पिग्स में आ जाता है, और पिग से फिर वो इंसानों में आ जाता है, तो फिर हमारे लिए वो एक सांस का मसला बन जाता है। जो बतख में पेट का मसला है, बल्कि मसला भी नहीं है उनके लिए, हमारे लिए वो सांस का मसला हो जाता है, और हमारी फेफड़ियों में वो चीज चली जाती है, इन्फ्लुएंजा। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है, असली में जो बात, जो सिलसिला है वो ये है कि ये जंगलात से, ये जंगली जानवरों में से इंसानों में ये कैसे आ रहे हैं, ये नए नए जदीद वायरसेस, जदीद कभी कभार बैक्टीरिया भी, और शायद फंगसेस भी आना शुरू कर देंगे। सवाल हमारे लिए ये है, और जैसे ईमान ने बताया, हमें बताया जाता है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं हो सकता था, पता नहीं कैसा आया, कहाँ से आया, ये तो बिल्कुल ही एक सरप्राइज था। लेकिन काफी अरसे से बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोग्राफर्स हमें बता रहे हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हमारे लिए सवाल आते हैं कि क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने चमगादड़ खाया, किसी ने बैट को खाया चाइना में, किसी बंदे ने, क्योंकि वो लोग बैट्स खाते हैं लिहाजा उसकी वजह से ट्रांसमिशन हुआ, या ये महज चाइना का मसला है क्योंकि चाइना में जी सफाई नहीं है, या कुछ साजिश है कि जो गैर मुसलमान हैं वो मुसलमानों पे ये हमला करने की कोशिश कर रहे थे लिहाजा उन्होंने किसी लैब में ये पैदा किया। और इसका मुख्तसर जवाब है कि नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई चमगादड़ खा रहा था, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये चीन में कोई मखसूस यानी चीन में सफाई नहीं है, या ऐसा मसला नहीं है, या कि कोई साजिश है। जहां तक हमारे पास दलील है, जहां तक हमारे पास सबूत है, ये चीजें नहीं है, बल्कि इसका जो
ट्रांसमिशन है ये जिस तरीके से फैला है, जिस तरीके से ये जानवरों में से इंसान इंसानों में आया है, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसको हम समझने के लिए और ये जदीद वायरसेस को समझने के लिए हमें बायोलॉजी भी समझना पड़ेगा, लेकिन हमें ज़रात और जंगलात की सियासी मैशियत को भी समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए पहले मैं तो मैं थोड़ा आपको पानी पीऊंगा और अब थोड़ा समझना पड़ेगा मुर्गियों के बारे में, मुर्गियों के बारे में और अंडे के फंडे के बारे में। आप लोगों में से आप अगर हैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीपी फाइव स्टार का के बारे में किस किसने सुना आप में से? सीपी फाइव स्टार जो रेस्टोरेंट है, किसी ने भी नहीं। केएफसी का तो सुना होगा आप लोगों ने, एक बंदे ने, बेचारे तनवीर ने केएफसी का सुना है, केंटकी फ्राइड चिकन। बाकी उन्हें किसी ने भी, सारे निर्दोष ने, बिल्कुल ही बेगुनाह है, उन्होंने कभी केएफसी का नहीं सुना और कभी केएफसी का नहीं सुना। केंटकी फ्राइड चिकन का आपने सुना होगा, बल्कि केएफसी की तरह एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में, वो जदीद है, नया है, पिछले शायद 4-5 साल से ज्यादा ये नहीं है यहाँ पे, उसका नाम है सीपी फाइव स्टार। सीपी फाइव स्टार केएफसी की तरह वो चिकन के सैंडविचेस बेचते हैं, मुर्गी के सैंडविचेस बेचते हैं, और अक्सर ऐसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, केएफसी हो, मैकडॉनल्ड्स हो, इनमें पाकिस्तान की इलीट ही जाती है। इसमें एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आप अगर कभी कनाडा जाते हैं, यूरोप में आप जाते हैं और वहां पर आप मैकडॉनल्ड्स देखने जाते हैं, तो आप देखेंगे मैकडॉनल्ड्स में जी वो लोग, गरीब लोग जाते हैं, आम लोग जाते हैं, 3 बजे रात के जब लोग बहुत शराब पी के और कुछ नहीं खुला होता तो वो लोग मैकडॉनल्ड्स जाके खाते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में हम सीपी फाइव स्टार या केएफसी पूरा, आप बाल ठीक करके, मेकअप लगा के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, कपड़े पहन के आपने केएफसी जाना है, आपने मैकडॉनल्ड्स जाना है। तो हमारे यहाँ पे चिकन खाना या उस किस्म का गोश्त खाना, मैकडॉनल्ड्स खाना, केएफसी खाना एक स्टेटस सिंबल है, यहाँ पे माना जाता है कि जी आपकी स्टेटस है। और ये अक्सर जो खाते हैं इलीट खाते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग खाते हैं, अपर क्लास के लोग खाते हैं, और ये पाकिस्तान में हर जगह मौजूद नहीं है केएफसी मैकडॉनल्ड्स, लेकिन इनकी डिमांड अच्छी खासी है। मैं बात कर रहा था सीपी की, सीपी फाइव स्टार की। सीपी फाइव स्टार एक थाई कंपनी है, थाईलैंड की ये कंपनी है, और सीपी का मतलब, जो सीपी है उसका मतलब है चारुवन पोकफन। चारुवन पोकफन उस कंपनी का नाम है जिन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं, सीपी फाइव स्टार इन्होंने इश्यू किया। तो अब सीपी फाइव स्टार के बारे में या चारुवन पोकफन के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया में जो बड़े बड़े यानी सबसे बड़े जो ज़रात के कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, ज़रात और खाना पैदा करने के कॉरपोरेशंस हैं, सीपी चारुवन पोकफन उनमें से एक है। और बल्कि ये महज खाना, गजा और ज़रात में शामिल नहीं है, ये दीगर चीज़ों में भी शामिल है। ये इसके इन्वेस्टमेंट हैं रिटेल में यानी दुकानों में, इसके इन्वेस्टमेंट हैं मीडिया में, टेलीकम्युनिकेशंस में, ई कॉमर्स में यानी ऑनलाइन जो तिजारत होती है, प्रॉपर्टी में, मतलब ये लोग रियल इस्टेट बेचते हैं, खरीदते हैं, ऑटोमोटिव्स में यानी गाड़ियों में और दीगर ऑटोमोबाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों में, और फाइनेंस में, बैंक्स में, कर्जा देने में, सरमायाकारी करने में इनके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जी कोई 5-10 किसान या फार्मर्स ने मिलकर कोई कंपनी बनाई है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका एक बिजनेस एग्रीकल्चर का या ज़राअत का बिजनेस है। लेकिन मैं मुर्गी की बात कर रहा था। अगर आप कभी सीपी फाइव स्टार रेस्टोरेंट में आप जाएंगे और वहां पे आप चिकन खाएंगे, तो शायद वो जो आप चिकन का बर्गर खा रहे हैं उसमें जो चिकन आता है, शायद वो चिकन सीपी के अपने ही प्लांट से वो चिकन प्रोसेस होके आया होगा। प्रोसेसिंग से मुराद ये कि वो मुर्गी को आप ज़ुबाह करने के बाद उसमें आप मसाले मिक्स करते हैं, उसको आप उस पर ब्रेड डालते हैं, ब्रेड क्रम डालते हैं, फिर आप उसको फ्रीज करते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। और वो प्रोसेसिंग का उनका जो प्लांट होता है, जो फैक्ट्री होती है, वो प्लांट भी सीपी की अपनी प्लांट थी। तो केएफसी या सीपी फाइव स्टार जो उनका ही रेस्टोरेंट है, उन्होंने मुर्गी कहाँ से खरीदी? खुद अपने आप से ही खरीदी होगी।
प्लांट में, वो उनकी परवरिश कहाँ पर हुई? उनकी परवरिश सीपी के अपने फार्म में हुई, चारुवन पुप्पन के एक बड़े फार्म में हुई। और उस फार्म में आप इतने चिकन्स को आप पालते होंगे, मुर्गियों को पालते होंगे, कि यानी दसों हजारों में लाखों की तादाद में एक फार्म पे लाखों की तादाद में ये मुर्गियां एक दूसरे के साथ होंगी। और वो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि जी एक एक मुर्गी के लिए दस दस मरले हैं, यहाँ पे इंसानों के लिए भी दस दस मरले नहीं होते, कि एक एक मुर्गी के लिए इतने इतने गज हैं। वो सारे मुर्गी भी बंद बंद हालात में रहते हैं एक दूसरे के पास साथ बिल्कुल, क्योंकि मकसद ये होता है उनको जितना खिला सकते हैं वो खिलाओ और उनको फिर जुबा करना, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। तो या तो मुर्गियां सीपी के अपने फार्म पे वो उग रही थी, परवरिश हो रही थी उनकी, या तो सीपी ने छोटे ठेकेदारों को ठेका दिया था कि यार इतने मुर्गियों का ठेका आपका होगा। उस वो जो फिर छोटे ठेकेदार हैं वो लोग भी वो सारे चीजें सीपी से ही खरीद रहे होंगे, यानी मुर्गी के जो अंडे हैं जिससे वो मुर्गियों को पैदा करेंगे वो भी आप सीपी से खरीद रहे हैं, वो जो चारा है या दाना है जो आप मुर्गी को खिलाते हैं वो भी आप सीपी से खरीद रहे हैं, वो जो अद्वियात हैं जिससे आप मुर्गी में आप दवाइयां डालते हैं ताकि वो जल्दी से ना मरे, वो भी आप सीपी से खरीद रहे हैं। तो जो भी चीजों की जरूरत है ये छोटे चिकन फार्म्स खोलने की, जो इमरान खान का एक ख्वाब था एक जमाने में, हमारे वजीर आजम और कायद कौम इमरान खान का एक जो ख्वाब था कि सबके पाकिस्तान में हर खानदान का एक एक चिकन फार्म होगा। सवाल यह है कि ठीक है चिकन फार्म तो आपने खोल दिया छोटा सा, लेकिन वो सारे जो उसके जो इनपुट्स हैं, जो सारी चीजें हैं, वो आप सीपी जैसी बड़ी कंपनी से आप खरीद रहे हैं, और वो फिर जो ये फार्म में ये सारे जो मुर्गियां ये पल रही हैं उनका, जैसे मैंने आपको बताया, दवाइयां भी वो सीपी ही बना रही है, और जो दाना है वो भी सीपी बना रही है, उनका जो फीड है, उनकी जो उनका जो वो जो खाना, उनकी जो गजा है वो भी सीपी बना रही है। तो पाकिस्तान में सीपी के, जहां तक मैंने रिसर्च किए हैं, जहां तक मुझे नजर आया, इसके सिर्फ दो ही चीजें मौजूद हैं, वो जो नीचे का है सीपी फीड मिल है, लाहौर में नहीं है, वो रायवंड के बस आगे है, लाहौर से आप निकलते हैं, रायवंड को आप पास करते हैं, पास करने के बाद आपको सीपी का एक फीड मिल मिलेगा, और दूसरा सीपी फाइव स्टार। बीच के जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं या फार्म्स हैं, मेरे ख्याल में जहां तक मेरा इलम है, वो सीपी के नहीं है। तो सवाल ये है तो कि सीपी के जो मुर्गियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? शायद वो इम्पोर्ट हो रही है मलेशिया से, शायद, या शायद वो यहीं से कहीं से खरीदते होंगे, सोर्स करते होंगे। लेकिन उनका प्लान तो जरूर था कि यार पाकिस्तान में ऊपर से लेकिन नीचे तक एक एक जो मैंने आपको मरहला बताया है वो हम पाकिस्तान में खोलना चाह रहे हैं। 2007 में सीपी के यहाँ पे नुमाइंदे आए थे, वहाँ वफद आया था थाईलैंड से, और यहाँ पे गुफ्तगू हुई थी कि यहाँ पे किस किस्म की सीपी सरमाया कारी करेगी पाकिस्तान में। लेकिन मुर्गियों की बात कर रहे थे, सीपी की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेके ऊपर जहां आप जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए, मुर्गी खाने के लिए, चिकन सैंडविच खाने के लिए, चिकन रैप खाने के लिए, जिंगर बर्गर खाने के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक जो फीड पैदा हो रहा है, जो दाना पैदा हो रहा है उस चिकन को खिलाने के लिए, वो सारा एक ही कंपनी पैदा कर सकती है, उसमें वो सलाहियत है, चारुवन पुप्पन जैसी कंपनी। और महज चारुवन पुप्पन नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और आपकी मुर्गी आप कहीं सुपरमार्केट से लेते हैं तो उसमें आ जाता है K&N's आ जाता है, या सूफी आ जाता है, या सबरोसो, या ऐसे ब्रांड्स हैं, जब आप लेते हैं तो ये सारे वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इनको आप कंपनीज कहते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद, वर्टिकल को क्या कहते हैं यार, अमूदी, ऊपर से लेके नीचे तक, ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन से मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारे ऑपरेशंस एक ही कंपनी के ताबे होते हैं, नीचे होते हैं। और ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, इसका एक ये एक और चीज के साथ साथ पैदा होती है जिसे लोग कहते हैं लाइव स्टॉक रेवोल्यूशन। लाइव स्टॉक रेवोल्यूशन, लाइव स्टॉक से मुराद मवेशी, मवेशियों का इनकलाब। अब ये नहीं है कि मवेशियों ने इकट्ठा होकर इंसानों के ऊपर, इंसानों को उलट करके अपनी हुकूमत कायम की है, ये इनकलाब की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि मवेशियों का इनकलाब ये है कि शहरों में जो आबादियां हैं, खास तौर में तीसरी दुनिया में, खास तौर में पसमानदा ममालिक में, जैसा पाकिस्तान है, चाइना है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे एक मिडिल क्लास उभर आया है पिछले 30-40 सालों में, खासतौर पर पिछले पाकिस्तान में तो पिछले 20 सालों में, मुशरफ साहब के दौर में, जिसकी डिमांड है गोश्त खाने की। और इस जो बढ़ती हुई डिमांड है, और ये महज तीसरी दुनिया में या थर्ड वर्ल्ड में नहीं है,
ये फर्स्ट वर्ल्ड में भी है, एक बढ़ती हुई डिमांड है गोश्त खाने की, वो उसको पैदा करने के लिए ये वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये बड़े बड़े फार्म, ये बड़े बड़े कंपनीज पैदा हुई हैं, डेवलप हुई हैं, जो हमें ये गोश्त बेचेंगी, खास तौर पे मुर्गी, क्योंकि इनका गोल यही है, इनका मकसद ये है कि मुर्गी को सस्ते से सस्ता करो ताकि इसकी मार्केट ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो लिहाजा आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बीफ तो हमें मुश्किल से मिलेगा आपको, लेकिन चिकन निस्बतन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन निस्बतन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों की रसाई में गोश्त इतनी आसानी से नहीं होता जितना बेहतर जो मुतवसित तबके से, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या उससे ऊपर जो एलीट से ताल्लुक रखते हैं, उनके रीच में गोश्त आसानी, यानी कहने की बात यह कि अगर मुझे गोश्त अभी खाना है मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरे पास उसको अफोर्ड करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जो हमारे मजदूर दोस्त हैं, जो हमारे गरीब दोस्त हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा, या जो किसान हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। बल्कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो खुद बताते थे कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो गांव में, देहात में पैदा हुए थे और देहात में बड़े हुए थे, फिर वो शहर में बाहर बाद में पढ़ने के लिए, पढ़ाई हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए वो शहर में माइग्रेट हुए थे। लेकिन वो बता रहे थे कि जब हम देहात में रहते थे, जब हम गांव में रहते थे, तो हम मुर्गी खाना हमारे लिए तो एक बड़ी लग्जरी की बात होती थी, कि साल में शायद आप 3 या 4 बार ही मुर्गी खाते थे। वो जब कोई दामाद आता था तो इसके लिए मुर्गी जुबा करते थे, या ईद के मौके पर आप मुर्गी खाते थे, वरना मुर्गी खाना तो आपके तस्वुर से बाहर ही बात होती थी। गोश्त तो जो गाय का गोश्त होता है या भैंस का गोश्त होता है तो वो तो बहुत दूर की बात होती है। और हमारे पास एक हम कहते हैं ना कि मुर्गी सिर्फ दो ही वक्त आप खाई जाती है, या तो जब आप बीमार होते हैं या तो जब मुर्गी बीमार होती है। तो गाँव में, देहातों में अभी तक अक्सर यही है कि मुर्गी खाना तो एक लग्जरी मानी जाती है, और गरीब ममालिक में अक्सरियत के लिए अभी भी गोश्त खाना एक लग्जरी है। तो लेकिन शहरों में जो खाते पीते लोग हैं, जो खुशहाल लोग हैं, उनके लिए गोश्त ही गोश्त। तो याद रखें, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, अब ये हो गया, आपको समझ में आ गया एक, कि जो पैदावार है, प्रोडक्शन है मुर्गी का, खास तौर पे मैं मुर्गी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें दीगर लाइफ स्टॉक भी आ जाते हैं, दीगर मवेशी भी आ जाते हैं, ये जब सरमायादाराना तरीके से होता है, कैपिटलिस्ट तरीके से होता है, तो उसमें आपका मकसद क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे चंद लम्हात में। लेकिन ये है कि इस तरीके से टॉप से बॉटम एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रही है, और ये कुछ दुनिया के आलमी सतह पर, ग्लोबल लेवल पे चंद ही कॉरपोरेशंस हैं, 6-7 कॉरपोरेशंस होंगे जो ज्यादा मार्केट पे इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है। तो हम जब ज़राअत के बारे में सोचते हैं, अक्सर हमारा कोई आइडिया होता है कि कोई किसान के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि वो किसान भी अगर है तो वो किसी बड़े कॉरपोरेशन के नीचे दबा हुआ है, उसके ताबे वो ऑपरेट कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अच्छा, आपने तो समझा दिया कि सीपी 5-स्टार में आपने चिकन सैंडविच कैसे खाया और कौन अफोर्ड कर सकता है ऐसे, किसकी रसाई किसकी नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक वायरस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, कोरोना वायरस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? और ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, जिसको समझने के लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि किन हालात में इन मुर्गियों को पैदा किया जाता है, पाला जाता है, बड़ा किया जाता है और जुबा किया जाता है, और किन हालात में ये अंडे देती हैं। मुर्गी और अंडों को समझना बहुत अहम है। मैंने आपको बताया कि चरवन पुखपन की अगर फार्म होगी, या ऐसे ही सब्रोसो या सूफी या ऐसे जो कंपनीज हैं, इनके जो फार्म्स होते हैं, चिकन के फार्म्स होते हैं, मुर्गी के फार्म होते हैं, इनमें दसों हजारों मुर्गियां, लाखों मुर्गियां एक ही जगह में बंद हालात में रहती हैं। और अगर आप बहुत सारे फार्म्स को एक ही इलाके में, आप बहुत सारे फार्म्स होंगे तो लाखों की बल्कि करोड़ों की तादाद में मुर्गियां एक जगह मौजूद होंगी और बहुत एक दूसरे बहुत करीब होंगी। तो आप ये समझ लें, लाखों बल्कि दसों लाखों शायद करोड़ों की तादाद में मुर्गियां थाईलैंड के फार्म्स में, पाकिस्तान के फार्म्स में, चाइना के फार्म्स में, यूएस में भी ऐसे ही है, नेदरलैंड्स में, हॉलैंड की जो अभी हम जिक्र करने वाले हैं वहां पर भी ये मौजूद है, ऐसे ही कि हजारों की, लाखों की तादाद में मुर्गियां एक दूसरे के साथ
करीबी हालात में रहती होती हैं। और जो छोटे भी जो फार्मर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हैं, जो इमरान खान का एक ख्वाब था, वजीर आजम का जो ख्वाब था कि छोटे छोटे हम मुर्गियों के पोल्ट्री के फार्म हम करेंगे, तो असली में वो भी जब आप जाके आप देखेंगे, हमारे दोस्त हैं देहातों में, केपी में खासतौर पर हमारे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं मुर्गियों का, तो उन्होंने भी एक छोटा सा एक बनाया होगा और उसमें पता नहीं कितने मुर्गियों को उन्होंने जमा किया हुआ होगा। क्योंकि आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं जितने मुर्गियां मैं रख सकता हूं मैं रखूंगा ताकि मैं ज्यादा बेच सकूं, और ये छोटे छोटे ठेकेदार होंगे। अब ये मुर्गियों को, तो पहली चीज तो ये, आप ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों को आप एक जगह आप पाल रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप बेचेंगे आपका मुनाफा प्रॉफिट जो होगा आपका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक बात ये होगी। अब दूसरी बात ये होगी कि ये जो मुर्गियां हैं ये ऐसा नहीं है कि ये जंगली मुर्गियां हैं जो आपको जंगलात में या वीराने में आपको मुर्गियां मिलेंगी जो मुख्तलिफ किस्में की होंगी, जिनके पर जो हैं उनके मुख्तलिफ रंग होंगे, जिसके जो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई ऐसे होगा कोई वैसे होगा, जैसा इंसानों में खुदा ने कहा है कि खुदा ने हमें मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किया है ताकि हम एक दूसरे को पहचाने। ये मुर्गियों का सीन ये नहीं है। मुर्गियों का सीन ये है कि ये चंद ही मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इन मुर्गियों को एक मखसूस किस्म की मुर्गी को वो लोग पैदा करते हैं, मखसूस किस्म की, बहुत ही मखसूस किस्म की। और ये मैं आपको बात ये आप देख लें कि पाकिस्तान में हम लोग इंपोर्ट करते हैं मुर्गियों को, लाखों डॉलर की मुर्गियां हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कहां से? नेदरलैंड से और फ्रांस से। अब आप ये आप सवाल अपने आप से कर लें कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है मुर्गी इंपोर्ट करने की? ये इसलिए नहीं है क्योंकि अमीर लोग कह रहे हैं कि हमको आज फ्रांस की मुर्गी खाना है, शायद होंगे, लेकिन ये है क्योंकि वो जो मुर्गियां हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो ब्रीडर लाइन्स होती हैं। ब्रीडर लाइन का मतलब है वो ऐसी मुर्गी होती है जिससे आप पैदा करेंगे वो मुर्गियां जो आपके फार्म्स में पल रहे होंगे, बड़े होंगे। और इसमें दो किस्म की मुर्गियां होती हैं, एक ब्रॉयलर चिकन होता है, ब्रॉयलर मुर्गी होती है, और एक लेयर मुर्गी होती है। ब्रॉयलर चिकन वो होती है जो हम खाते हैं। ब्रॉयलर चिकन आप इसलिए उसको पैदा कर रहे हैं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा गोश्त हो, ज्यादा से ज्यादा गोश्त वो पकड़े कम से कम वक्त में, कम से कम वक्त में आपने ज्यादा से ज्यादा गोश्त उस पर ठोंसना है, उस मुर्गी पर। क्यों? जब वो उसे जवाब करेंगे आप उसको उसका वजन देखेंगे, ज्यादा वजन आएगा ज्यादा मुनाफा आएगा। और जल्द से जल्द इसीलिए क्योंकि आप अगर नॉर्मल आप मुर्गी का इंतजार करेंगे जी एक साल वो बड़ी होगी फिर हम उसको जाके जुबा करेंगे, तो फिर टाइम आपका जाया हो रहा है। आपने देखना है कि हमने हमको मैं कहीं ये लिखा हुआ होगा कितने टाइम में नहीं एग्जैक्ट टाइम तो मैंने नहीं लिखा है इसमें, लेकिन कुछ ऐसे ही है कि वो मुर्गी बिल्कुल ही अडल्ट साइज पे जो जंगली मुर्गी होगी, जो वाइल्ड मुर्गी होगी या जो हमारी देसी मुर्गी होती है, उसे अगर एक साल लग रहा है, उसे अगर डेढ़ साल लग रहा है, तो ये जो फार्म फैक्ट्री में जो ये मुर्गी उकरी है उसको कुछ चंद ही महीनों में वो उतना गोश्त पा जाती है, बस बल्कि उससे भी ज्यादा चंद महीनों में, क्योंकि आपने जल्द से जल्द उसे जुबा करना है ताकि आप उसे जल्द से जल्द आप बेच सकें। तो ये ब्रॉयलर चिकन का यही सीन होता है कि इनको बाकायदा इनको पैदा ही किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा गोश्त कम से कम वक्त में इन पे आ जाए, और ये कम से कम दाने से ज्यादा गोश्त इनमें आ जाए। क्योंकि सरमायादार जो होता है, कैपिटलिस्ट जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उसका यही थिंकिंग होता है कि मैं अपने खर्चे कैसे कम रखूं और मुनाफा ज्यादा कैसे करूं। तो खर्चा कम करने का ये है कि आपने इस मुर्गी ही आपने ऐसी पैदा करनी है जो कुछ हद तक आप कह सकते हैं अननेचुरल है, लेकिन हमने इसे ऐसा ब्रीड किया है। एक और बात होती है कि आपका खर्चा कम से कम इसलिए होता है कि आप मजदूरों को कम से कम आप तनख्वाह दें, लेकिन ये एक अलग बात है। आज हम मजदूरों की बात नहीं करेंगे, आज बदकिस्मती से हम लोग मुर्गियों की ही बात करेंगे। दूसरा मैं आपको अंडे का फंडा बताने जा रहा था, वो होता है लेयर चिकन। ले से मतलब वही अंडे देना, ले टू ले एग्स। तो लेयर चिकन जो होती है वो ब्रॉयलर चिकन से मुख्तलिफ होती है। लेयर चिकन में अब आप उसको ब्रीड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अंडे कम से कम वक्त में दे। और ये होता है कि ये दो तीन साल ही अंडे देती हैं, तीन साल के बाद ये अंडे नहीं देती। नेचुरल जो मुर्गी हमारी होती है, जो देसी मुर्गी होती है, वो ज्यादा अंडे दे सकती है, लेकिन वो कम अंडे देगी निस्बतन। ये तो आपने ब्रीड ही इसलिए किया कि ये ज्यादा से ज्यादा अंडे दें कम से कम वक्त में।
और ये जब अंडे ये नहीं दे सकती तो इनको खत्म किया जाता है, कभी कभार फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, या तो इनको तेल या तो फैट में बनाया जाता है, या तो कुछ ना कुछ इनका किया जाता है, इनको ऐसा जुबा किया जाता है ताकि दूसरे जानवरों को ये खिलाया जाए। तो मकसद ही आपका पैदा करने का ये नहीं है कि हमें इंसानी जरूरियात पूरी करना है, आपका मकसद ही है मुनाफा। तो अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपके दो हालात पैदा हो गए। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि छोटे से रकबे पर ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों को आपने ठोंस के जमा करके रखा हुआ है। अब आप ये याद करें कि इंसानों को भी जब आप ठोंस के बंद बंद हालात में रखते हैं तो इनमें कोई भी वायरस फैलने के इम्कान बढ़ जाते हैं। जब आपके पास खुली हवा नहीं होती, जब आपके पास जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, तो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन जो होता है, कोई भी इन्फेक्शन का फैलाव बहुत आसानी से हो जाता है। और मुर्गियों में भी यही चीज है, जानवरों में भी यही चीज है। आप अगर उनको ठोंस ठोंस के छोटे से रकबे पे ज्यादा से ज्यादा आप मुर्गियां पैक कर देंगे तो उनमें अगर एक मुर्गी में भी अब अगर कोई बीमारी आ गई तो वो फैलने के इम्कान, फैलने के जो हालात हैं बहुत आसान हो जाते हैं उसके लिए। ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि जब सारे मुर्गियां एक जैसे हों, उनके जिस्मों के अंदर उनकी जेनेटिक्स जो होती है, जीन्स, जीन वो होता है हमारे हमारे जो जिस्म है, हमारी जो पूरी जो हमारी लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, एक एक सेल के अंदर हमारे सेल्स, हमारे जो जिस्म है वो सेल, बहुत सारे सेल के जामे हमारी बॉडी होती है, एक एक सेल के अंदर उसका एक कोड होता है, एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, वो है डीएनए। और वो डीएनए में फिर मुख्तलिफ कोड्स होते हैं। जैसा अगर मेरे आंख का रंग है, मेरे आंख का रंग ब्राउन है, तो वो मेरी एक कोड है, एक जीन की वजह से। और किसी के आंख नीले होंगे, किसी के आंख हरे होंगे, तो वो इसलिए क्योंकि उनके जीन्स मुख्तलिफ हैं। जीन तो वही है लेकिन जीन की कोड मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग मखलूक है, इंसान ही है, बस ये है कि उनके जो आंख है उसका रंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है, या जो हमारी जिल्द है उसका रंग थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, या कुछ लोगों के बाल जल्दी से झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के बाल नहीं झड़ते। तो ये मुख्तलिफ इसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसका हम बात करते हैं। तो लेकिन अब आप ये समझ लें कि हम लोग इंसान को इसीलिए पैदा कर रहे हैं ताकि उसके सिर्फ काले ही आंख होंगे, नीले नहीं होंगे, हरे नहीं होंगे, काले ही होंगे, और उसकी जिल्द जो है वो सिर्फ यही कलर होगी, ना उसमें स्याह होंगे ना उसमें गोरे होंगे, सिर्फ यही कलर होगा, और बाल जो है वो जल्दी से झड़ेंगे। यानी जो हमारा एक जो डाइवर्सिटी है, जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं या क्वालिटीज हैं, खसूसियात हैं किसी भी इंसानों में, तो अलग बात है। ये हिटलर या नाजीज जो थे, ये इनका यही प्रोजेक्ट था कि एक ही किस्म का इंसान हो, गोरा हो, वाइट हो, आर्यन रेस हो, और उसमें उन्होंने लातादाद लोगों को मारा है। लेकिन उसी तरीके से हम जानवरों को भी हम ऐसे ही पैदा कर रहे हैं कि एक ही किस्म की ये मुर्गी हो, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं हो, उसमें कोई मुख्तलिफ किस्म के मुर्गियां ना हो। क्यों? क्योंकि हम उनको इसी क्वालिटी, इसी खसूसियत के लिए हम लोग उनको पैदा करते हैं कि उनमें ज्यादा से ज्यादा गोश्त हो कम से कम से टाइम में। अब इसकी वजह से एक जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी पैदा होती है, यानी एक यकसा किस्म की जेनेटिक उसका कोड होता है। मसला इसका ये होता है कि जो हमें एक फितरती नेचुरल हमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे जीन्स हैं, उसकी वजह से जब नए वायरसेस आते हैं तो उसमें एक मुदाफती सिस्टम भी हमारे मुख्तलिफ होते हैं, तो कुछ लोगों में वो आता है तो वो खत्म हो जाता है, उसको जंप करने के मौके नहीं मिलते। एक मुर्गी से दूसरी देसी मुर्गी में जंप करने के मौके निस्बतन कम होते हैं। लेकिन जब आपके पास एक ही किस्म की मुर्गी है, जिनके सबके लाखों की लाखों जो मुर्गियों के मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके एक ही किस्म की मुदाफती सिस्टम है, एक ही इम्यून सिस्टम है उनका, मुख्तलिफ इम्यून सिस्टम उनके नहीं है, तो अगर कुछ नया जदीद वायरस पैदा होता है और उनमें पकड़ जाता है तो कोई ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि सारे इम्यून सिस्टम एक जैसे हैं, फाट करके आप फैल जाते हैं, कहीं आपको एक रुकावट नहीं मिलती कि किसी और का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो वायरस वहां जाके रुक जाता है। जंगलात जो होते हैं, जो वीरान हो, वीरानियां जंगलात में जो हमारे पास जंगली जो जानवर होते हैं,
क्योंकि उनमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक ही स्पीसीज के अंदर खावो शेर हो या ये हो या वो, उसमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, तो उसमें अगर कोई नए वायरसेस आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया, खैर मैंने तो नहीं किया, कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर जो है, सरमायादाराना जो ज़राअत है, उसमें आपने ऐसा एक निज़ाम पैदा किया है जिसमें वो वायरस जब आता है तो वो बहुत आसानी से फैल सकता है, वायरस हो या बैक्टीरिया भी हो तो वो बहुत आसानी से फैला जा सकता है, यानी आपकी कोई रेजिस्टेंस पावर आपने नहीं पैदा की। तो इसमें ये दो हालात हैं, इसकी वजह से नए वायरसेस बहुत तेजी से मुर्गियों में फैलते हैं। और मुर्गियों में क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसा मैंने आपको बताया, वो बतख से या तो जंगली परिंदों में ये ज्यादा होता है, जंगली परिंदों में ये इतना असरदार नहीं होता, लेकिन जब मुर्गियों में आ जाता है तो बहुत तेजी से फैल जाता है, मुर्गियों में ये जानलेवा हो सकता है। मुर्गियों में जब ये जानलेवा होता है तो मुर्गियों से इंसानों में अब ये कैसा आता है, अब ये सवाल है। इसके दो जराए हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुर्गियों के अंदर वो जो वायरस है वो खुद ब खुद म्यूटेट हो सकता है, इसमें नए, उसकी जो जेनेटिक्स है, उसकी जो डीएनए है, उसमें नए ऐसे कोड आ सकती है जिसकी वजह से वो इंसानों में आसानी से पकड़ सकता है। ये एक चीज होता है। लेकिन दूसरी जो चीज होती है, और खैर ये एक एक इस पे थोड़ा सा हम और जिक्र इसके बारे में थोड़ा सा और गुफ्तगू करें कि देखें, ये मुर्गी जो है महज एक जगह तो नहीं रहती। आप मुर्गी को एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप मुर्गी को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आप इधर लेके जाते हैं, उधर लेके जाते हैं, तो ये जो वायरस है ये फैलते रहता है। और ये अगर फैलता है तो ये जंगली परिंदे से मुर्गी में, मुर्गी से फिर वापस जंगली परिंदे में भी जा सकता है, और ये हर जगह फैल सकता है। अगर मैं ये एक फार्म से मैं मुर्गी ले रहा हूँ और वो इन्फेक्टेड मुर्गी है, और मैं जाके किसी मार्केट में बेच रहा हूँ, तो उस मार्केट में वो जो एक फार्म से मुर्गी आई है दूसरे फार्म की मुर्गी को भी इन्फेक्ट कर सकती है, और वो इसी तरीके से ये चीज फैल सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक जरिया ये जरूर है कि वो डायरेक्टली मुर्गी से या परिंदों से इंसानों में आ सकती है, अक्सर अमूमन ये मुर्गियों से। लेकिन जो दूसरा तरीका है, और अक्सर थोड़ा आसान ये है, कि ये सुअर से आता है, पिग से। आप कह रहे होंगे कि ये पाकिस्तान में सुअर नहीं होते तो ये इतनी तशवीशनाक बात नहीं है, लेकिन है, और मैं अभी मैं समझाता हूँ कि क्यों है। लेकिन सुअर का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो मुदाफती सिस्टम होता है, उनका जो एक इम्यून सिस्टम है सुअर का, जो है वो परिंदों से भी मिलता है और इंसानों से भी मिलता है। लिहाजा अगर कोई डिजीज, कोई वायरस है जो परिंदों से सुअर में जंप कर जाती है, तो सुअर से फिर इंसान में जंप करना उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। और जिन हालात में मैंने आपको बताया कि मुर्गियों को हम पालते हैं, हम नहीं पालते लेकिन ये सरमायादार पालते हैं, उन्हीं हालात में सुअर को भी पालते हैं ये लोग। लाखों की लाखों सुअर पिग्स उग रहे हैं पल रहे होंगे एक जगह, और उनके साथ ही चिकन का फार्म होगा। चरवन पुखन के अपने सिर्फ मुर्गी के फार्म्स नहीं है, उनके सुअर के फार्म्स भी हैं, या उनका अपना नहीं होगा तो कोई और कंपनी का होगा, लेकिन फार्म्स तो एक ही जगह आपको मिलेंगे। तो मुर्गियों से सुअर में जंप करना वायरस के लिए आसान होता है, और फिर सुअर से इंसान में जंप करना आसान होता है, बल्कि इंसान से वापस सुअर में भी जंप करके फिर से इंसान में हो सकता है। तो ये वायरस जंप कर सकते हैं, और ये ऐसे जंप करते हैं कि आपने लाखों की करोड़ों की तादाद में मुर्गियों को और सुअरों को एक जगह रखा है, और वो सुअर भी सारे एक जैसे ही हैं, और वो मुर्गियां भी सारी एक जैसी हैं, एक भी वायरस आता है तो बड़ी आसानी से और तेजी से, नेचुरल इम्यूनिटी उनकी नहीं होती, बहुत तेजी से फैल जाता है। तो यही फिर परिंदों का जो फ्लू है वो फिर सुअर का फ्लू बन जाता है, स्वाइन फ्लू बन जाता है, और स्वाइन फ्लू से फिर इंसानों में आना बहुत आसान है। बल्कि कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू का की वबा थी, आलमी वबा थी, हम लकी थे, हम खुशकिस्मत थे कि वो इतनी शिद्दत से नहीं फैली, लेकिन वो भी काफी एक शदीद और सीरियस मसला था, उसमें भी बहुत सारे हजारों लोग मरे थे। और कुछ दिन पहले ही खबर आई है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, गूगल आप कर लें, कि चाइना में साइंटिस्ट्स ने सुअर के फार्म में, स्वाइन फार्म्स में,
उनको एक नया इन्फ्लुएंजा की निशानदेही उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा इसमें पैंडेमिक पोटेंशियल है, यानी ये बड़ी आसानी से आलमी वबा, इंसानों का आलमी वबा बन सकता है। ये चंद ही दिनों की बात है, ये कोई सालों साल पुरानी बात नहीं है, यानी ये ना आपके मुस्तकबिल की बात है या हमारे हाल की बात है, ये अभी ये चीज हो रही है। और ठीक है, हम लोग तो सुअर नहीं खाते, हम लोग तो सुअर नहीं पालते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नया वायरस चाइना में शुरू होता है तो उसको यहाँ आने कितनी देर लगती है, आप कोरोना वायरस से ही अंदाजा लगाएं, कुछ देर नहीं लगती। उसको यूएस पहुंचने कितनी देर लगती है, उसको यूरोप पहुंचने कितनी देर लगती है, क्योंकि हमारा जो आलमी सियासी मैशियत के मैं बात कर रहा था, आलमी हमारे कनेक्शन इतने ज्यादा हैं कि फैलना वायरस के लिए बहुत आसान है। और खैर वो एक मुख्तलिफ गुफ्तगु है जो हम कर सकते हैं। अहम बात समझने की बात हमारे लिए ये है कि ये जो जदीद वायरस हैं, जदीद इन्फ्लुएंजाज हैं, जदीद करोना वायरस है, तो करोना वायरस एक किस्म का वायरस होता है और इन्फ्लुएंजा एक और किस्म का वायरस होता है। ये जो जदीद वायरसेस हैं जो इंसानों में इन्फेक्शन कर सकते हैं, ये कोई तारीखी चीज नहीं है जो सदियों से चलती हुई आ रही है। 1918-1919 के स्वाइन के फ्लू के बारे में बात की थी, वो एक स्वाइन फ्लू था, लेकिन उसके बाद जो इन्फ्लुएंजा था वो काफी स्टेबल था। जो जानवर से जो इंसानों में इन्फ्लुएंजा आते हैं वो काफी स्टेबल थे। ये जो जदीद इन्फ्लुएंजाज हैं, जदीद कोरोना वायरस हैं, ये सिर्फ पिछले 30 से 40 सालों में ही ये उभर कर आए हैं, पिछले 30 से 40 सालों में। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक उस निजाम पैदावार के साथ है जिसकी मैंने जिक्र की, वर्टिकल इंटीग्रेशन, अमूदी इंजमाम, जो टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, जो आपने लाखों की तादाद में मुर्गियों और सुअरों की पैदावार आपने की है, ये सिर्फ महज 30 से 40 साल पुराना ये सिस्टम है। अमेरिका में थोड़ा और पुराना है, अमेरिका में ये 1950 से यानी 1950 की दहाई से इन्होंने शुरू किया था, लेकिन ये जो आम हुआ है दुनिया भर में ये 1980 की दहाई में ये आम हुआ है ये सिस्टम, खासतौर में थाईलैंड में। थाईलैंड में ये बहुत, चारों पुखन की मैंने बात की, लेकिन दीगर भी कंपनीज हैं, और फिर उन्होंने जाके फिर चाइना में इन्वेस्टमेंट की वगैरह वगैरह। तो ये चीज है कि ये इस किस्म के जो जदीद वायरसेस हैं, इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक बनता है इस निजाम पैदावार के साथ, कि आप कैसे ज़रात आप कैसा कर रहे हैं, आप मवेशी आप कैसे पाल रहे हैं, उसका एक डायरेक्ट ताल्लुक है। ये कोई महज कोई नेचुरल फितरती चीज नहीं है जो हमारे सर पे ऐसे टपक के गिरती हुई आसमानों से। यहाँ लम्स के कैंपस पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे चमगादड़ बहुत हैं, आज तक अल्लाह के फजल से मुझे कोई जदीद कोरोना वायरस नहीं हुआ चमगादड़ की वजह से। तो ये बात ये नहीं है कि आपने महज चमगादड़ खाने की वजह से ये होता है। और दूसरी बात जो समझना बहुत अहम है कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज को पता है, हकूमतों को पता है कि इसकी वजह से जदीद वायरसेस उभर रहे हैं और निकल कर आ रहे हैं और इंसानों में भी आ रहे हैं, उनको पता है। लेकिन हकूमतों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि जी यहाँ पे सरमायाकारी करें, फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे सरमायाकारी करें, जैसा पाकिस्तान की हुकूमत ने चरवन पुखपन को यहाँ पर दावत दी थी कि आप यहाँ आके सरमायाकारी करें। और तो वो कहते हैं कि हमने बिजनेस के जो एग्रीकल्चरल बिजनेसेस हैं इनके मुफादात की हिफाजत हमें करनी है। और बल्कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2003 में परिंदों का जो इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू का एक आउटब्रेक हुआ था जनूबी मगरबी एशिया में। जनूबी मगरबी एशिया में ये ममालिक आते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये मुल्क आते हैं। यहाँ पे आउटब्रेक आया था 2003 में और काफी फैल गया था ये मुर्गियों में, परिंदों में, हत्ता के कराची तक भी पहुंच गई थी ये डिजीज, और कराची के जो पोल्ट्री सेक्टर में भी यहाँ पे बड़े नुकसान हुए थे। 2004 तक ये समझ में आ गया था कि वो लोग जो परिंदों के करीबी हैं, खासतौर पे जो पोल्ट्री फार्म में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों में भी ये इन्फ्लुएंजा आ गया था, यानी ये परिंदों से इंसानों में आ रहा था। और उस वक्त अल्लाह के करम से वहीं रुक गई थी बात कि ये महज परिंदे से इंसान में आता है लेकिन इंसान से इंसान में नहीं आता। अगर वो इंसान में इंसान से इंसान में आता था तो
ये पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच सकता था। आजकल जैसा कोरोना का हालात है, ये 2004 में ही हो सकता था, लेकिन उस वक्त इन कंपनियों ने हुकूमतों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि नहीं कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाईलैंड में यूनियन के में जो मजदूर थे वो लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे ये मुर्गियां मर रही थी वायरस की वजह से, उसी वक्त पर कंपनी ने हमें बताया कि इनकी पैदावार इनको जुबाह करना तेजी से कर दो ताकि हम इनको बेच सकें, ताकि हम बीमार मुर्गियों को जुबाह करके बेच सकें, हालांकि उनको तो खत्म करना था ताकि ये इंसानों में ना आए या तो ये स्प्रेड ना हो, ये फैल ना जाए इससे पहले कि कोई इंस्पेक्शन हो जाए, जल्दी से इनको जुबाह करना तेज कर दो। तो ये चरवन पुप्पन और दीगर जो पोल्ट्री की कंपनीज थे उन्होंने जानबूझ के इसको छुपाने की कोशिश की, जानबूझ के उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, और कुछ हुकूमतों ने भी जानबूझ के कहा कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनका था कि हमें अपने सरमायादार के मुफादात को डिफेंड करना है, दफा करना है चीजों की। तो इन कंपनीज के मुफादात होते हैं कि वायरसेस, नए वायरसेस अगर ईजाद हो रहे हैं या फैल रहे हैं तो ये कहना कि नहीं नहीं हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इसमें कोई हमारी इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब सरमायादाराना निजाम होता है, सरमायादाराना निजाम क्या होता है, उसमें यह होता है कि चंद लोगों के हाथ में निजी मिल्कियत होते हैं, वो वसाइल जिसकी बुनियाद पर आप पैदावार कर सकते हैं, जमीन, सनत, सरमाया चंद ही हाथों में होते हैं। जो अक्सरियत होती है उनके पास बिल्कुल ही छोटा सरमाया होता है, बल्कि उनके पास कुछ सरमाया नहीं होता, कुछ वसाइल नहीं होता है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो अपनी मेहनत होती है, वो जो बेच सकते हैं। जब मैं सरमायादार हूं मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और मेरा मकसद है मुनाफा, प्रॉफिट। ये नहीं कि इंसानी जरूरियात क्या है, ह्यूमन नीड्स के मैं बारे में नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कैसे बढ़ाऊं। उसके लिए मुझे ये करना है कि मैं पैदावार अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं, पैदावार के अखराजात जो हैं, जो खर्चे हैं, वो कम से कम रखूं, कॉस्ट्स में अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रखूं, उसमें मजदूरों को भी मैं कम से कम तनख्वाह दूंगा, और ये कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैदा करूं कम से कम कॉस्ट में। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया मुर्गियों को या सुअरों को हम ऐसे बनाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा गोश्त आए कम से कम वक्त में, उसमें अगर डिजीज आता है, कोई इन्फेक्शन आता है, तो मैं छुपाने की कोशिश करूंगा, मैं इसको आने की कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ जल्दी से इसको निपटा लें, कोई जल्दी से जल्दी इसका वैक्सीनेशन बना के इसको निपटा लें। लेकिन बात हमें समझना ये है कि एग्री बिजनेस जो है, कॉरपोरेट एग्रीकल्चर जो है, कॉरपोरेट ज़राअत जो है, वो रियासत के साथ मिलकर वायरस के साथ उतना काम करता है जो उसके खिलाफ काम करता है। ये रॉब वॉलेस एक साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या इन्फ्लुएंजा से ये लोग फायदा उठा रहे हैं या इन्फ्लुएंजा के खिलाफ लड़ने के लिए ये लोग आए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरस, जैसे आप किसी प्लांट को लगाते हैं, किसी फैक्ट्री को लगाते हैं, उससे धुआं निकलता है, उससे कार्बन निकलता है, जो हमारे माहौल में जाके उसका खर्चा हमें निपटाना पड़ता है, गलीज हवा जो हमारी लाहौर में, इतनी गंदी हवा जो है, जो आलूदगी है, वो क्यों है? क्योंकि जो गाड़ियों में जो ईंधन है, फ्यूल है, जो भट्टे हैं उसमें जो ईंधन है, जो फ्यूल है, जो फैक्ट्रियों में जो फ्यूल है, वो इतना गंदा है कि वो कार्बन निकलता है, लेकिन उस कार्बन का, उस आलूदगी का खर्चा वो फैक्ट्री नहीं उठाती, वो फ्यूल की कंपनी नहीं उठाती, वो हम आम लोग उठाते हैं, हमें उसका खर्चा देना पड़ता है। वैसे ही आप देख लेंगे जो वायरसेस हैं, नए जदीद वायरसेस जो हैं, ये इन इंडस्ट्रीज का, इन सनतों का ये एक एक्सटर्नैलिटी है, एक ऐसा खर्चा है जो ये खुद नहीं उठाते, जो हमें उठाना पड़ता है, इंसानों को उठाना पड़ता है। और अभी तक तकरीबन 500,000 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिस पर अब हम आते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने बात की है वो मैंने इन्फ्लुएंजा की बात की है, लेकिन इन्फ्लुएंजा एक मुख्तलिफ वायरस है और कोरोना वायरस एक मुख्तलिफ वायरस है। कोरोना वायरस के बारे में, जो जदीद ये नया कोरोना वायरस SARS-CoV-2 है, उसके बारे में तो हमें कुछ इतना अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात भी थोड़ी सी मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसा ईमान ने बताया, ये बात याद रखना बहुत अहम है कि ये सरप्राइज नहीं है,
खा वो इन्फ्लुएंजा होता, खा वो कोरोना वायरस होता, ये सितंबर 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, सितंबर 2019, जिसमें ये कह रहे हैं कि इंतहाई जानलेवा वबा का खतरा बहुत करीब है, जिसकी बायस एक तेजी से फैलने वाली सांस की पैथोजन होगी, जिससे 5 से 8 करोड़ लोग मर सकते हैं और आलमी इकोनॉमी का तकरीबन 5% नुकसान हो सकता है। 2019 में ये बात हमें पता था, बात हमें पता थी कि ये कुछ ना कुछ सांस का रेस्पिरेटरी, सांस की कोई डिजीज फैलने वाली है, तो ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये हमें पता था। अब ये जदीद कोरोना वायरस कहां से आता है, मैं मुख्तसर आपसे बताना चाह रहा हूँ कैसे कहां से आया। अभी तक तो लोग कह रहे हैं कि ये वुहान चाइना में, वुहान में एक सूबा है हुबे, सॉरी चाइना में एक सूबा है उसका नाम है हुबे, और वहाँ एक शहर है, बड़ा शहर है वुहान, कि वहां पे एक वेट मार्केट जो है वहां पे ये आउटब्रेक हुआ था। वेट मार्केट मतलब यही है जहां पर जिंदा भी जानवर बिक रहे हैं और जहां पर दीगर गोश्त भी बिकता है और भी चीजें बिकती हैं। ये वेट मार्केट कोई एक अजीब तरीन चीज नहीं है, ये यहाँ पर पाकिस्तान में भी वेट मार्केट्स में हम लोग, आप किसी भी मोहल्ले में जा रहे हैं वहीं पे आप जिंदा मुर्गी वहीं पे बिक्री होगी। तो यहाँ पर एक आइडिया ये है कि जी किसी ने एक चमगादड़ खाया, बैट खाया और उसकी वजह से वायरस इंसानों में आ गया। लेकिन अक्सर जो है जब आप किसी चीज को तलते हैं, पकाते हैं, तो वायरस खत्म हो जाता है। वायरस किसी चीज को पका के खाने की वजह से आपके उसमें वायरस नहीं जाता, वायरस इसलिए जाता है जब आप उसको तैयार कर रहे हैं और आप अपने हाथ नहीं धोते, आप तैयार कर रहे हैं किसी गोश्त को, फिर आप अपने आंखों को, नाक को, मुंह को हाथ लगाते हैं, तो फिर वो वायरस, ये मेरे वैसे हाथ धुले हुए हैं, उम्मीद है कि धुले हुए हैं, तो फिर वो वायरस आपके सिस्टम में जाता है। तो महज ये नहीं कि मैंने कुछ खाया इसलिए मेरे, मुर्गी खाने की वजह से नहीं, मुर्गी अगर पकी हुई नहीं है तो वो तो आपको उल्टी आनी है या डायरिया होना है, लेकिन जब आप उसको पका रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आपके अपने आप को छू रहे हैं या सेफ हाइजीनिक आप नहीं तैयार कर रहे हैं, तो वायरस वो होता है। लेकिन चमगादड़ खाने की वजह से या चमगादड़ की वजह से ये नहीं हुआ, बल्कि अक्सर कोरोना वायरस भी इसी तरीके से फैलता है कि चमगादड़ से वो पहले किसी परिंदे में यानी मुर्गी में या बतख में या तो सुअर में आता है, फिर वो इंसान में आता है। चमगादड़ से डायरेक्ट ह्यूमंस में शायद ही नहीं आया होगा, इसको मौका चाहिए था डेवलप होने का, इवॉल्व होने का, और वो मौका इसको गालिबन कहां से मिला, किसी फार्म से मिला जहां पर लाखों की या हजारों की तादाद में कोई ना कोई ऐसा जानवर पल रहा था, जैसे कि बिल्ली या पेंगोलिन एक चीज होती है, या सुअर, या तो गाय, या तो भैंस, या तो बकरा, या तो भेड़, या तो कबूतर भी हो सकते थे। यानी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं जो इस तरीके से उनकी पैदावार हो रही है, जिस जो मैंने बताया आपको कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर जो है, और उसमें महज ये नहीं है कि जो नॉर्मल हम जानते हैं गाय भैंस और मुर्गियां तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो एग्जॉटिक एनिमल्स भी आप कहते हैं, जो अजीब या अजीब किस्म के जो एनिमल्स होते हैं, सिवेट्स, जैसे एक मुर्गी, एक बिल्ली का किस्म होता है सिवेट, या तो पेंगोलिन, ये भी आप आजकल उसी तरीके से आप बड़े बड़े फार्म्स पे आप इनको पैदा कर रहे हैं और पाल रहे हैं। यानी सरमायादारी के निजाम से ये बाहर नहीं है, उसके निजाम के अंदर ही है। तो हो सकता है, जहां तक हमें पता है, थियरी तो यही है लेकिन अभी तक साइंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन गालिबन ऐसे ही हुआ है कि ये चमगादड़ किसी ऐसे फार्म पर गया और चमगादड़ से फिर ये चीज कोई ऐसे ही जानवर में ट्रांसफर हुई, जैसा मुर्गी हो या तो सुअर हो, और फिर वहां से फिर वो इंसानों में आया। यानी इसका ट्रांसमिशन भी शायद गालिबन कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर के थ्रू ही हुआ, सरमायादाराना ज़रात के जरिए से ही हुआ है गालिबन। मैं गालिबन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको एग्जैक्टली इसका नहीं पता अभी तक, रिसर्च अभी जारी है। लेकिन एक और वायरस, तारीखी एक वायरस है जिसके बारे में आपको बता सकते हैं, 1998 में नाइपा वायरस मलेशिया में आया था, और नाइपा वायरस बल्कि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का वायरस है, या ना ये ना तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ना तो ये कोरोना वायरस है,
और ये चमगादड़ में होता है नाइपा वायरस, और वो उन चमगादड़ में होता है जो फल खाते हैं। अब हुआ ये कि मलेशिया में इनको सुअर के फार्म बनाने थे, स्वाइन के फार्म्स, पिक के फार्म्स। स्वाइन के फार्म्स बनाने के लिए इन्होंने जंगलात को काटे, जंगलात की कटाई की। अब जंगलात की आपने जब कटाई की और फिर आपने सुअर के फार्म ऐसे बनाए जिसमें लाखों के लाखों सुअर जो हैं एक ही जगह पर जमा हुए हैं, उन सुअर के फार्म पे कुछ फल के दरख्त फिर भी कायम थे, और उन फल के दरख्त से फिर वो लोग पता नहीं क्या करते थे, लेकिन उनका मेन फंक्शन जो था वही था सुअर बेचना। अब आपने जंगलात तो काट दिए, उसमें जो जंगली चमगादड़ है अब वो कहां जाएगा? लाजमी है कि वो ज्यादा ज्यादा इंसानों के माहौल में ही आएगा, क्योंकि पहले तो वो जंगल में था, आराम से था। आपने जंगल जंगलात काटे हैं, तो वो जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स उन्हीं फार्म्स में जाके वो लोग अपनी गजा ढूंढेंगे। अब उन्हीं फार्म्स में दरख्त है, फलों के दरख्त हैं, केले के दरख्त हैं, तो वो चमगादड़ जो है वो फल खाता है, वो उस दरख्त पे जाके खाएगा। अब किसी चमगादड़ में जिसमें नाइपा वायरस था, उसने कोई कहीं ना कहीं कोई फल खाया, वो फल गिर गया, उसका चमगादड़ का थूक उस फल पे लगा हुआ था, किसी सुअर ने आके वो फल खाया, उस सुअर के अंदर फिर नाइपा वायरस चला गया, नाइपा वायरस फिर इवॉल्व हुआ और उन सुअरों में लाखों की तादाद में, और एक ऐसा फॉर्म उसका आ गया जो इंसानों में आसानी से फैल गया। तो वो जो फार्म के जो मजदूर थे जिस पर वो काम कर रहे थे, जो लोग उस फार्म पे काम कर रहे थे, सबसे पहले तो नाइपा वायरस उनको हुआ, और फिर नाइपा वायरस वहां से फैल गया, और अब वो मलेशिया में अक्सर होता है, इंडिया तक नाइपा वायरस पहुंच चुका है। तो फिर से ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैला नाइपा वायरस, लेकिन कम से कम 105 लोग मर गए थे उस वक्त, और पूरी उनकी जो सुअर की इंडस्ट्री थी, पिक की इंडस्ट्री थी, वो काफी रुक गई। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो जदीद कोरोना वायरस है कुछ ऐसे ही फैला है, हो सकता है कि कहीं चमगादड़ थे, जंगली चमगादड़ थे, और वो कहीं ऐसे ही फार्म पे जाके कोई ट्रांसमिशन हुआ, चमगादड़ से ये चीज उन जानवर में जो हम पालते हैं, पालतू जानवर में आ गई, और पालतू जानवर में से इंसानों में आ गए, और इंसानों में से फिर ये दुनिया भर आलमी सतह पर ऐसा फैल चुका है कि तबाही जो मच गई है वो आपके सामने है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सरमायादाराना निज़ाम है, इस किताबें जो सनती ज़रात है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, फैक्ट्री फार्मिंग जो है, सनती ज़रात जो है, और जो सरमायादाराना निज़ाम के ताबे जो डीफॉरेस्टेशन है, जंगलात की जो कटाई है, इसकी वजह से इंसानों की कुर्बत बढ़ रही है जंगली जानवरों से, और जैसे ही हम करीब आते जाते हैं जंगली जानवर से, और जंगली जानवर हमारे करीब आते हैं, नए नए वायरसेस, नए नए बीमारियां, नए नए पैथोजेंस इंसानों में, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इंसानों में ये फैल सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंसानों में फैल चुके हैं, फैल रहे हैं, और फैलेंगे, जिनमें से एक गालिबन कोरोना वायरस है। तो ये अभी के लिए मैं शायद इधर ही रुक जाता हूँ, काफी मैंने आपका टाइम वैसे भी लिया है, और अगर मजीद सवालात हैं तो, या गुफ्तगु है तो, फिर अभी इस पे हम कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। और एक बात अगर मैं सिर्फ एक जुमले में समाप्त करूँ तो वो यही होगा कि सरमायादाराना पैदावार या कैक्टस प्रोडक्शन के सारे जो प्रैक्टिस और तरीके हैं उनकी वजह से ये वायरस पैदा हो रहा है, और अपने मुनाफे में वो इसको इस नुकसान को तबाको के बारे में सोच भी नहीं रहे, और ये नुकसान हम लोगों को भरना पड़ रहा है, और हम लेकिन फिर भी यू नो कोई भी उनसे कुछ नहीं पूछ रहा। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो अपना हाथ रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या किसी का कोई सवाल है इस हवाले से? अच्छा, तो मैं ही सवाल पूछ लेती हूँ, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त, वो ये है कि हम में से बहुत ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, और हम लोगों को
एग्री बिजनेस या सरमायादारा दराना पैदावार के अलावा कोई और तरीका ऑफ प्रोडक्शन या पैदावार का तरीका या निज़ाम नहीं पता, तो अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है कि क्या हम अपनी मुर्गियां उगाना पैदा करना शुरू कर देंगे, अपने फार्म्स रख लें या अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दें, जिस तरह के वो लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन करें तो हम बिल्कुल सीड से लेके एंड तक खुद ही बनाएं, या फिर क्या अल्टरनेट क्या है, या फिर ये बहुत जल्दी है सवाल पूछने के लिए और अभी इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। अगर और कोई सवाल है तो वो भी हम ले सकते हैं। ये अच्छा सवाल है वैसे आपका, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, शायद और कोई सवाल नहीं है। तो इसमें दरअसल जिस जो हमारा निज़ाम पैदावार है खाने का, गज़ा पैदा करने का और ज़रात का जो निज़ाम पैदावार है, आलमी सतह की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी ये आप देख सकते हैं मुसीबत है। एक तो इसका असर हमने देखा है, एक इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो है जदीद वायरस पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत नुकसान हैं। माहौलियात की जो हम बात करें, माहौलियाती तब्दीली जो है, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, दरअसल जो सनती ज़रात हैं, यार ऐसे ही अपना माइक तो बंद कर ले, जो सनती ज़रात है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, तो इसकी जो कंजम्पशन है, ये जो ईंधन के जो खाता है फॉसिल फ्यूल्स, ये वही है, ऑयल है, गैस है, जिसकी वजह से फिर इसमें कार्बन इमिशन भी बहुत होता है, जिसकी वजह से फिर माहौलियती तब्दीली को ये बहुत बड़ी तादाद पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे ख्याल में जो दुनिया भर के जो इमिशंस हैं, कार्बन के इमिशंस हैं, आई थिंक 20-30% एग्रीकल्चर से आते हैं, 20-30%, तो उसमें कोई ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा जो निज़ाम पैदावार है खाने का, और महज पैदावार नहीं बल्कि तकसीम का भी निज़ाम, निज़ाम पैदावार और निज़ाम तकसीम जो है हमारे खाने का, उसमें ये है कि जहां तक आपकी खाने तक रसाई जो है वो मुबनी है पैसों पर, और अभी पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं, अभी हमारे आंखों के सामने ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और ये महज पाकिस्तान की बात नहीं है, आप यूएसए में भी आपको यही चीज नजर आएगी, कनाडा में भी नजर आएगी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई आमदनी नहीं है, और अब खाना भी वो नहीं खा सकते सही तरीके से। तो नॉर्मल टाइम्स में जब चीजें ठीक हैं, जब भी फ्रूट्स तक रसाई गरीबों की, बहुत मुश्किल से फलों तक उनकी रसाई होती है, और अभी तो लोगों की रसाई आटे, गंदम, नॉर्मल चीजों, बेसिक चीजों तक भी बहुत मुश्किल से हो रही है, और वही पैदावार का सिस्टम है, वही तकसीम का सिस्टम है, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है कि अक्सरियत के पास नहीं है खाने को, और अकलियत के पास बहुत कुछ है खाने के लिए, या अक्सरियत के पास मुनासिब और मुतनासिब गजा नहीं और अकलियत के पास सब कुछ है। तो वही निज़ाम है जिससे, जो मुनाफे के लिए आपने पैदा किया है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम खाने को एक इंसानी हकूक कैसा बनाएं, और महज खाने से मुराद ये नहीं है कि जी आपने एक आटा दे दिया थोड़ा सा और चीनी दे दी थोड़ी सी, ये नहीं, खाने का मतलब ये होना चाहिए। हारून अकरम लोधी एक हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं कि यार खाना ऐसा हो जो मुतनासिब गजा दे, न्यूट्रिशन दे लोगों को, जो डाइवर्स हो, उसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको खाने मिले, जो लोकल हो, जो आपके कल्चर से अप्रोप्रिएट हो, ये नहीं कि आपने अमेरिका से खैरात लेके यहाँ लोगों को आप खिला रहे हो। और ये सबसे पहले तो, ये फिर सवाल आया आसिफ साहब का, तो इसको साइड रखते हैं इसके के लिए। सबसे पहले तो ये कि फिर आप एक ऐसा निज़ाम कैसे बनाएं कि खाना इंसानी हकूक हो, उसको करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये शायद ये जो हमारा जो मॉडल है कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का, सनती ज़रात का,
उसको जिसका जिसका पूरा मकसद ही ये है मुनाफा, और आपने महज इलीट्स के लिए बेचना है, और उसमें फिर जमीन जो है वो चंद लोगों के हाथ में होती है, सनत जो है वो चंद लोगों के हाथ में होती है, इसकी बजाय ये कि हम तकसीम करें, जमीन की भी तकसीम करें और सनती आलात पैदावार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी भी तकसीम करें, ताकि लोकल जो कम्युनिटीज हैं, लोकल जो इलाकाई मोहल्ले हैं, लोग हैं, उनकी कंट्रोल ज्यादा हो अपने खाने पैदा करने के और खाने के, उसको कंज्यूम करने के भी और पैदा करने के भी उनमें ज्यादा कंट्रोल हो। दूसरा ये कि बजाय इसके कि हम ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल करें, ऑयल और गैस, या फर्टिलाइजर हम ऐसा इस्तेमाल करें जो जिसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे केमिकल फर्टिलाइजर बुरे होते हैं, लेकिन अक्सर केमिकल फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स इतने भरे हुए होते हैं और उनका इस्तेमाल इतने गैर जिम्मेदारी से होता है कि वो फिर वो हमारे माहौल में वो चीजें आ जाती हैं। तो उसकी बजाय हम एक ऐसा ज़रात के बारे में सोचें जो अपने माहौल के लिए मुनासिब हो, जो पानी हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम मुनासिब तरीके से करें, लेकिन उसके लिए ये होगा कि हम पूरा हमें एक बिल्कुल ही शिफ्ट करना पड़ेगा कि खाना हम लोग इसलिए नहीं उगाते, फसलें हम इसलिए नहीं उगा रहे, फल हम इसलिए नहीं उगा रहे ताकि इससे मुनाफा हमें हासिल करना है, बल्कि इसका अव्वल मकसद ये है कि इंसानों की ग़िज़ा पूरी हो, अच्छे तरीके से पूरी हो, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो फिर हम देखेंगे कि उसको आगे कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा ये डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं है कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको फिर ज़रात पे आना है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन जिस जो हमारा मौजूदा ज़रात का निज़ाम है, जो मौजूदा हमारा ज़रात का निज़ाम है, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसको हम कैसे ऐसा बनाएं कि एक तो फिर से इंसानी हकूक के लिए वो डायरेक्टेड हो, और दूसरा उसमें ज्यादा लोग उसमें काम करें, अब खुद ही उगाएं, खुद ही खाएं। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये कोई कोई रेडीमेड ब्लूप्रिंट तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ इलाकों में एक्सपेरिमेंट्स जरूर हो रहे हैं, लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, और ये करना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि वरना ये कोरोना जो अभी हो रहा है वो फिर से होगा, और माहौलियाती तब्दीली जो है वो तो वैसे भी हो रही है। किसी और का, आई थिंक हसीब ने एक सवाल पूछा है चैट के अंदर, आई थिंक उसका जवाब भी आपने दे ही दिया है तकरीबन, काफी लंबा सवाल है। हाँ हसीब साहब, अभी अभी मेरे ख्याल में लेक्चर ही इस बात पे था कि वायरस का लिंक एग्रीकल्चर के साथ कैसा हो सकता है, अगर इसमें और अगर मजीद कुछ तफसीलात आपको या कुछ कोई बात अगर मैंने सही तरीके से नहीं समझाई तो फिर आप उस पर वजाहत आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हेलो अजहर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ मैं मुस्तनसर बात कर रहा हूँ, ये एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल पूछे। अच्छा, उनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अब अगर ये वायरस फैल रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, या इसका हल क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए या क्या करना होगा हमें अपने सर्वाइवल के लिए। इसमें तो अभी हमें इंतजार करना है वैक्सीन अगर आता है या नहीं आता है, वैक्सीन अगर आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसमें वैक्सीनेशन से टीका लेके हम कोशिश कर सकते हैं इसको रोकने की। वैक्सीन अगर नहीं बनता, नहीं आता, तो कभी कभार ऐसे वायरसेस खुद ब खुद इतने लोगों को इन्फेक्ट कर जाते हैं कि उसके बाद ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, ऐसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी या रेवड़ की मुदाफत उर्दू में अगर कहेंगे, उर्दू में हर्ड इम्यूनिटी कैसा कहते हैं मुझे नहीं पता। तो इतने लोगों को ये इन्फेक्ट करता है कि जैसे अगर आपके 60 या 70% आपकी आबादी इन्फेक्ट हो गई तो उसके बाद इसका फैलना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 60 से 70% जब इन्फेक्ट हो जाते हैं उसके बाद अगर उनमें नेचुरल फिर से इन्फेक्शन नहीं आ सकता तो फिर दीगर लोगों में इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अब 60 से 70% लोगों को इन्फेक्ट करना है आपको,
और पाकिस्तान का आप इसमें अंदाजा लगा लें, मैं जरा कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, पाकिस्तान की आबादी अभी अगर है 22 करोड़, 22 करोड़ में से आप में से मैथ कौन कर रहा है, 22 करोड़ में से अगर आप 60% भी ले लें आप, तो उसका मतलब है आपके 60% तो कुछ आपके 13 करोड़ लोग इन्फेक्ट होंगे, 13 करोड़ लोग इन्फेक्ट होंगे, उसमें से 2% लोग मरेंगे पाकिस्तान में, अभी हमारा यही रेट चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2% भी लोग मरते हैं 13 करोड़ में से, तो वो कितने होंगे, 26 लाख, 26 लाख लोग मरने के बाद ये वायरस नहीं फैलेगा, अगर आपने कुछ यानी समाजी फासले के एक्टिविटीज आपने नहीं लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, या मुआशरती दूरी या समाजी दूरी या समाजी फासला, और हाथ धोना और मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, मास्क पहनो, हाथ धो, और एक दूसरे को झपकी नहीं दो, हाथ नहीं मिलाओ, इनसे हम इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं, लेकिन वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर पे क्योंकि एक जदीद वायरस है जो का हमको कुछ पता ही नहीं है कहाँ से ये चीज़ आई है, तो वायरस से निपटना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन यही चीज़ें हैं कि जब किसी में इन्फेक्शन होता है तो वो दूर रहें दूसरों से, अभी के लिए एक दूसरों से फासला रखें, वैक्सीन का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अगर आती है तो आती है, नहीं आती है तो मुश्किल है। वैक्सीन का भी ये मसला है कि अगर आप सरमायादाराना निज़ाम के अंदर आप एक वैक्सीन ईजाद कर रहे हैं, अभी आप खुद देख लें कि कोरोना वायरस का टेस्ट आपको अगर खुद कराना है प्राइवेट से, 6,500 रुपये में टेस्ट होता है, 8,000 रुपये में टेस्ट होता है, ये आम पाकिस्तानी की रसाई से बाहर है, तो कहीं ये ना हो कि वैक्सीन भी जब बनता है तो ये महज अमीरों के लिए वैक्सीन बनेगा और गरीबों की रसाई से ये बाहर हो, तो वही गरीबों पे ये चीज़ फिर से गुजरेगी। तो वैक्सीन, तो वायरस को कैसा खत्म किया जाए, ये चीज़ खत्म नहीं होती इतनी आसानी से, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये चीजें शिद्दत से हमें थप्पड़ जो मार रहा है अभी कोरोना वायरस, बेहतर होता कि हम एक ऐसा निज़ाम, एक अदल का निज़ाम, एक इंसाफ का निज़ाम, एक बराबरी का निज़ाम कायम करते जिसमें ये वायरस ईजाद होने के इम्कानात कम से कम होते, लेकिन अभी जो मौजूदा हमारा निज़ाम है पैदावार का, उसमें वायरस ईजाद होने का के जो इम्कानात हैं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और जैसे मैंने आपको बताया पिछले 30-40 सालों में तो ये चीज़ बिल्कुल ही स्पीड पकड़ गई है। किसी और का कोई और सवाल है, कोई सवाल? इमान मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। I have a question. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये हमने कोई पहला वायरस तो नहीं देखा, जैसे आपने बात की स्वाइन फ्लू की, तो अगर ये वायरस जो है वो तो सबको इम्पैक्ट करता है, जो कैपिटलिस्ट हैं या जो इस कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है उनको भी इम्पैक्ट करता है, तो वो इस जो भी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं एग्री बिजनेस के अंदर, जो आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात की, वो उसको क्यों नहीं चेंज करते, वो चिकन्स को ब्रीड करने का तरीका पर क्यों नहीं चेंज करते, अगर हमने पहले से हम ये एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वायरसेस किस तरह इम्पैक्ट करते हैं लोगों को? मेरा क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि सरमायादार के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं और मुख्तलिफ उनके जहनों में होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम करेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात है, माहौलियाती तब्दीली की बात है, हमें पता है कि ये ऑयल एंड गैस जलाने की वजह से हो रहा है, लेकिन जो ऑयल और गैस की इंडस्ट्री है, जो कंपनियां हैं ऑयल एंड गैस की, और ये दुनिया की सबसे मजबूत कंपनीज हैं, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज जो होती हैं वो ऑयल एंड गैस की होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स की होती हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि माहौल को तबाह कर देंगे और लाखों करोड़ों की तादाद में इंसानों पर ये इतना, अभी से ही क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर मुल्क में हमें नज़र आ रहे हैं, गर्मी जिस शिद्दत से अभी हम आप महसूस कर रहे हैं, ये 30-40 साल पहले इतनी शिद्दत से नहीं होती थी। तो
हालांकि ये असरात मौजूद हैं और सबको पता है, कोई साइंस में इसमें कोई कंफ्यूजन उलझन नहीं है कि जी ये है या ये है, डायरेक्टली हमें पता है कि ऑयल एंड गैस की वजह से ये हो रहा है, फिर भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के पीछे इतनी पावर है, इतनी पैसे हैं, इतने इन्फ्लुएंस है कि वो लोग तब्दीलियों को रोक सकते हैं। तो वैसे ही कुछ ये पोल्ट्री इंडस्ट्रीज या लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज में बड़े कंपनीज हैं, बड़ा इनके पास पैसा है, और वायरस के साथ निपटने के लिए इनका जो तरीकेकार है वो ये है कि हमें जी वैक्सीनेशन ईजाद करनी है। जैसे ही नया वायरस होता है जी, मुर्गियों के अंदर ही ये लोग ही अपनी कंपनीज हैं, इनकी वायरसेस वैक्सीनेशन की कंपनीज या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, जैसे मैंने चरवन पुखन की बात की, चरवन पुखन मजीद महज मुर्गी और मवेशी नहीं पाल रहा, वो फार्मास्यूटिकल्स भी उनकी कंपनी होती है। उसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का फिर फायदा होता है कि अगर मुर्गी में या मवेशी में कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, या उसमें आपने कुछ हार्मोन्स डालने हैं ताकि इनकी इनकी इनका गोश्त ज्यादा से ज्यादा हो, तो वही लोग ड्रग्स वही लोग बनाएंगे, हमें बीमार भी वही लोग करेंगे और हमें बेचेंगे। अब बात यह है कि ठीक है, इसमें कैपिटलिस्ट पे भी हो सकता है, जब ये एक जदीद वायरस होता है तो इसमें अमीर लोगों पे भी असर होता है, लेकिन अमीर लोगों की रसाई भी सबसे बेस्ट होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल, बेस्ट हेल्थ केयर की रसाई उनके पास होती है, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग मरेंगे, ज्यादा से ज्यादा जिनका नुकसान होगा वो गरीबों का ही होगा, मजदूरों का ही होगा, और गरीब किसानों का या मुतवसत तबकात का ही होगा, इनका नुकसान भी निस्बतन कम होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो इमरजेंसी हमारी हालात है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, लॉकडाउन से जी गरीब इतना नहीं बच रहा है जितना अमीर बच रहा है, लॉकडाउन का नुकसान गरीब पे ज्यादा होता है और अमीर पे कम होता है, इतना इमरजेंसी सिस्टम इसीलिए है क्योंकि ये अमीर पे शायद अफेक्ट कर पाए। आप देख लें कि ट्यूबरकुलोसिस से लोग कितने लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, कोरोना से ज्यादा लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, डायरिया की वजह से लोग पाकिस्तान में ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन ये गरीब लोग मरते हैं। मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि हमें कोरोना वायरस के खिलाफ हमें नहीं निपटना चाहिए, लॉकडाउन वगैरह वो अलग बहस है, मतलब मेरा कहने का ये है कि जब गरीब पर ही असर होता है किसी डिजीज का तो वो नॉर्मल है इनके लिए। यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे पास हर दिन एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी होनी चाहिए, हर वक्त एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी होनी चाहिए, जब तक डायरिया खत्म नहीं होता पाकिस्तान में, जब तक ट्यूबरकुलोसिस खत्म नहीं होता, जब तक हेपेटाइटिस ई खत्म नहीं होता, जब तक टाइफॉइड खत्म नहीं होता जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, अभी मर रहे हैं हमारे सामने लोग मर रहे हैं, या डायबिटीज की बात कर लें, शुगर की बात, या ये चीज, तो ये है कि जहां तक सरमायादार ने निशानदेही की है कि हमारी वजह से ये चीज हो रही है, एक तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं, दूसरा डिनाई करने की कोशिश करते हैं, तीसरा वो कहते हैं कोई और इसका खर्चा निपटे, हुकूमत को कह देते हैं, अवाम को कह देते हैं कि तुम लोग निपटो, लॉकडाउन करो, ये करो वो करो, या वो कहते हैं जी हमने वैक्सीनेशन कर दी, हमने मुर्गियों को वैक्सीन कर दिया। कभी कभार जब वबा ऐसे फैलती है और उनको नजर आता है कि मुर्गियों में वबा फैल रही है या सुअरों में वबा फैल रही है या ऊंटों में, जो मर्स एक वायरस है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम मर्स वायरस, वो ऊंटों से शुरू हुआ था सऊदी अरब में, तो कभी कभार हुकूमत आके कह देती है कि नहीं अब इनकी ये सारे जो भी आपका स्टॉक है सारे के सारों को मार डालो, खत्म कर दो, तो लाखों की तादाद में मुर्गियों को खत्म कर देते हैं, लाखों की तादाद में सुअरों को खत्म कर देते हैं, लाखों की तादाद में ऊंटों को खत्म कर देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही चीज, नदरलैंड से या फ्रांस से आपने ब्रीडर मंगवाए और आपने फिर से ब्रॉयलर चिकन पैदा करना शुरू, पालना शुरू कर दिए, लेयर चिकन पालना शुरू कर दिए, और उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं हालात में आप रख रहे हैं। यानी आप हालात को तब्दील नहीं करते, आप उस निजाम को तब्दील नहीं करते, उस निजाम के अंदर ही आप कोशिश करें। तो मसला यही है, मारिया आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इनकी इनका मुनाफा इस चीज में, इनका मुनाफा इस चीज में, अगर इनका मुनाफा इस चीज में नहीं होता तो ये झक से इस चीज को तब्दील कर देते। किसी का कोई और सवाल है तो, वरना फिर हम सेशन का इख्तिताम करते हैं। मेरे ख्याल में ईमान ठीक है, चलें फिर। सैयद गुले जहरा का सवाल है कि इस डिस्टोपियन निजाम को हम कैसे डिकंस्ट्रक्ट करें, और सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सियासी मैशियत के बारे में जिसने मैंने बात की है, उसका जो बुनियादी उसूल ये है कि जो हमारा निज़ाम पैदावार है
जो हमारे निज़ाम है ज़रात का या किसी और चीज़ का, उसका ताल्लुक होता है सियासत के साथ। और सियासत का मतलब ये होता है कि ताकत किसके पास है और किसके पास नहीं है, या ताकत किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। मारिया ने अभी सवाल किया कि सरमायादार को अगर पता है कि ये मसला है तो ये लोग क्यों नहीं रोकते। मैंने कहा कि मुनाफा, और मुनाफे से, दौलत से इनके पास ताकत आती है, ताकत इनके पास है, लिहाजा हुकूमत भी इनके हाथ में है। कोई भी अगर कोई जो अभी लॉकडाउन के जो नुकसान हैं, ठीक है सरमायादार का भी नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है गरीब पे, टैक्स के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके ज़रिए। अभी लॉकडाउन की वजह से जो सनत पे, पाकिस्तान में सनत में रुकावट आई है, तो हमारी हुकूमत ने टैक्स के पैसों से या कर्जे के पैसों से उन्होंने हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया है, उन्होंने हमारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को दिया है, उन्होंने अमीरों को ही दिया है, गरीबों को कुछ तो 12,000 रुपये ले मर, 12,000 रुपये से क्या होगा, एक महीना भी नहीं चलता। कहीं हुकूमत ने ये नहीं कहा कि किराया रोको, कहीं ये नहीं कहा कि जी हमें राशन सही तरीके से हमें तकसीम करना है, ये कुछ नहीं हुआ। कुछ गरीब लोगों को 12,000 रुपये, लेकिन जो असली जो पैसा गया है इतनी अरबों का, जो टैक्स का पैसा है जो आवाम से आता है, और दूसरा जो कर्जे का पैसा है जो हम IMF वर्ल्ड बैंक से लेके अमीरों को दे रहे हैं, वो पैसा जब लौटाना है, कर्ज चुकाना है, तो वो भी टैक्सों से, आम आवाम से ही आएगा, वो अमीरों को ही जाता है। अमीरों के पास क्यों जाता है? उनके पास ताकत है। ये निज़ाम उन्होंने अपने लिए बनाया, ये निज़ाम इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए नहीं बनाया, पाकिस्तान के चंद लोगों के लिए इन्होंने बनाया, पाकिस्तान के आम इंसान के लिए इन्होंने नहीं बनाया। और पाकिस्तान को इन्होंने ताबे रखा हुआ है IMF वर्ल्ड बैंक अमेरिका चाइना के नीचे, इनकी जूतियों में हम लोग रहते हैं, और ये इनके मुफाद में है कि इस निज़ाम को ऐसा रखें। सॉरी मैं थोड़ा सा सियासी हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं, सूरत हाल आपके आंखों के सामने है कि जो भी होता है उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फायदा नहीं होता, उसमें चंद अमीरों का फायदा होता है और बैरूनी ताकतों का फायदा होता है। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए आपको एक ताकत बनानी पड़ेगी, इसके रद में एक ताकत बनानी पड़ेगी। और हमारे पास पैसे तो नहीं है, हमारे पास बंदूकें तो नहीं है, तोपे तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है तादाद, वो है अवाम। लेकिन अवाम तकसीम हुई हुई है, अवाम में इन्होंने खुद ही तकसीम पैदा की है, मज़हब के नाम पे तकसीम, जिन्स के नाम पे तकसीम, कौमियत के नाम पे तकसीम, कि कुछ कौमियत को आप ज़्यादा देंगे, कुछ कौमियत को आप कम देंगे, कुछ मर्दों को आप ज़्यादा देंगे, औरतों को कम देंगे, मर्द भी इसमें खुशी से औरतों पर जुल्म करता है, और कुछ मज़हबी अकलियतों पर हमने इतना जुल्म हाल ही में आपने पेशावर में देखा था कि क्रिश्चियन ने एक घर खरीदा तो मुसलमानों ने उस पर फायरिंग कर दी। तो ये जो तकसीम है, इन तकसीम को अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे और हम एक मजबूत मजदूरों की, किसानों की, और जो कॉन्शियस, जो शऊर बाशऊर तुलबा हैं, बाशऊर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी हमें एक ताकत बनानी पड़ेगी जो फिर इस हकूमत को और इस निज़ाम को मजदूरों और किसानों के डायरेक्शन में उनके तरफ ले जाएंगे। और ये बहुत कहना आसान है, कहना भी आसान नहीं है, कहना भी मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये किए बगैर कोई चारा नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता, क्योंकि इन्होंने बस तबाही तबाही मचानी है, जहां तक इनका मुनाफा है तबाही है। तो आज हमारे सामने अमेरिका की मिसाल है, जहां पर लोग सड़कों में आ गए हैं अपने हकूक के लिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सड़कों में आना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी कुव्वत को मुनज्जम करना, अपनी कुव्वत को मुनज्जम करके उसकी बुनियाद पर एक नया निज़ाम कैसा पैदा करना, ये हमारा सवाल है, ये आपका सवाल है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, उसमें कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन जरूरी यही है। आपने बहुत अच्छी बात की है। किसी और का कोई सवाल है, या फिर हम सेशन को यहीं खत्म करें? हेलो जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हेलो, आवाज आ रही ईमान? आपकी आवाज बड़ा सारा, छोटा ना,
अच्छा नहीं, छोटा करना क्योंकि बहुत लेंथी हो गया। अच्छा कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है, जी, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के होते हुए कोई हम तब्दीली देख सकते हैं? और दूसरा इससे जुड़ता ये है कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को अगर खत्म कर दिया जाए तो जो इंसानी जरूरियात के लिए जो गजा का मसला है वो कैसे हल हो सकता है? आप फिर से आप कह सकते हैं शहजाद जी। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है उसके बिना दुनिया की जो इंसानी गजाई जरूरत है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वो मुमकिन है? हाँ मुमकिन तो है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर से पहले तो हम करते आ रहे थे और मसला कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का मसला ये है कि जिस तरीके से ज़राअत को मुनज़्ज़म किया गया है वो ये है कि चंद लोगों के हाथ में ज़मीन है, चंद लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी है, चंद लोगों के हाथ में सरमाया है और अक्सरियत के पास नहीं है। उसको ख़त्म करके अगर हम ऐसा निज़ाम पैदा करें जिसमें टेक्नोलॉजी मुश्तरका हो, सरमाया मुश्तरका हो, ज़मीन मुश्तरका हो, तो उसके इंशाल्लाह फ़ायदे भी मुश्तरका हो सकते हैं। ये फिर से कहना आसान है, करना मुश्किल है। कि करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल मसला है या कोई टेक्नोलॉजिकल इसमें हमें रुकावट है। कोई टेक्नोलॉजिकल रुकावट नहीं है, रुकावट सियासी रुकावट है। और कोई सवाल किसी ने? और कोई कमेंट, सवाल? चले फिर हम यही इंतजाम करते सेशन का। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर नुमान थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया हम सबको, हमें बहुत सीखने को मिला है सेशन से। सबके सवालों को भी बहुत शुक्रिया, उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। एनएसएफ, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, एनएसएफ जो है वो इस सारी कुवतों से पाकिस्तान की तरफ जद्दोजहद कर रही है। और अगर आप हमारी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं या आपको आपकी फीडबैक है या इसी सेशन के हवाले से कुछ कोई भी सवाल है तो पोस्टर पे, इस सेशन के पोस्टर पे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। बस यही कहना था, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सेशन खत्म है आप। थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।